फर्स्ट थिंग गाना तो मैं पाँच साल की उम्र से गा रहा हूँ तो मेरा निक नेम बंटी है तो बस बंटी गाना गाएगा मेरे डैड हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि भाई नहीं होने वाला तेरा कुछ देखिए एक नौकरी होनी चाहिए दस हजार की सैलरी होनी चाहिए कंसिस्टेंटली आती रहे बाकी तक तो साइड में जो करना है तू कर तो माँ ने बोला नहीं 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 अच्छा गाता था और कमाल गाता है बंटी और नहीं तो बंटी कर मां तो माँ होती है ना फिर माँ के लिए तो वही होता है की उसका बेटा ही को सुनो नहीं गमा फिर मैंने पहला शो जो किया वो था गोविंदा नाइट जो आज भी विरार में होती है विरार स्टेशन पे साई बाबा का दरबार लगता है चार बजे जाकर लाइन में खड़ा होता कोई नहीं था भाई वहाँ पे मेरे मेरे दिमाग में क्या क्या जाके क्या कहूँगा हम गायेंगे तेरे नाम हमारा ये था तो मतलब ये गाना गाऊंगा तो इनके सामने सेलेक्ट कैसे होंगे कॉन्ट्रैक्ट मैंने कब साइन किया बताओ आपने वो साइन किया था ना पेपर आए थे तो भाई मैंने पहला चेक जब खोला पच्चीस लाख मैंने तो पूछा मेरा रेट क्या मार्केट में चल रहा है फिर मैं बोला चले सिंगिंग नहीं भी चलती एक नौकरी वोकरी कर लूंगा बंद फिर भी वही था डर था एक दिमाग में क्यों होता है ना कि चला गया तो ये सब अभी तो है कितने टाइम तक आई वॉज थैंकफुल की भाई ये मिल रहा है ले ले जो है भाई ले ले तू काम ले ले इंपॉर्टेंट वो था मैं वो घोड़ा नहीं होता रेस वाला मैं इधर ऐसे रखता हूँ और मेरा गोल क्या होता है मेरा शो वो है सबसे पहले तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा एज आर्टिस्ट यू हैव टू बी वेरी शेमलेस

Uh, अभी तक आपने काफी सारे एपिसोड देखे और सुने और उसमें आपने अलग अलग तरीके के लोगों को देखा है प्लेबैक सिंगर्स कंपोजर्स लिरिसिस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मिक्स एंड मास्टर इंजीनियर्स अलग अलग तरीके के लोगों को देखा है जनरली जब हम रियलिटी शोज की बात करते हैं थोड़े दिन पहले हमने अभिजीत सावंत को भी लेके आए थे पॉडकास्ट पर और आपने देखा था कि उनका बीस साल का करियर कैसा रहा रियलिटी शो की जब शुरुआत हुई थी दो में इमीडिएटली इंडियन आइडल वन के बाद एक और रियलिटी शो आया था जिसका नाम था फेम गुरुकुल और वो उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट वॉच रियलिटी शो था फेम गुरुकुल जब आया था 2005 में उस टाइम पे इंडियन आइडल इंडियन आइडल फेम गुरुकुल के साथ रियलिटी शोज की पीक थी आपको विनर तो याद रहते हैं कि एक विनर होता है एक सब होता है और साथ में बहुत सारे फाइनलिस्ट होते हैं इन्हीं रियलिटी शोज से आपके कुछ चहीते म्यूजिशियंस आपको मिले हैं uh, कुछ पहले से थे श्रेया घोषाल सुनिधि चौहान टू नेम अ फ्यू उसके बाद अरिजीत सिंह uh, जुबिन नौटियाल विशाल मिश्रा नेहा कक्कड़ ये सारे आर्टिस्ट भी उन्हें रियलिटी शोज से हमको मिले हैं लेकिन सबकी जर्नी सेम नहीं होती है आ, कुछ लोग प्लेबैक सिंगर बनते हैं कुछ लोग लाइव परफॉर्मर बनते हैं कुछ लोग सिंगर सॉन्ग राइटर बनते हैं बट उनके अलावा भी कुछ ऐसे म्यूजिशंस ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी जर्नी बिल्कुल अलग है वो सक्सेसफुल है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने 20 साल में अपने लिए एक अलग इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया है ऐसे ही एक टैलेंटेड सिंगर जो फेम गुरुकुल में रनसब थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं उनको उन्हीं दिनों से जानता हूँ जब वो फेम ग्रुपल से जस्ट निकले थे मैंने उनके साथ पर्सनली बहुत टाइम बिताया है और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टैलेंटेड सिंगर और अ शो परफॉर्मर वो बहुत ही बदमाश हैं उनके चेहरे पे हमें हमेशा एक स्मर्क रहती है मेरे ख्याल से मैं जितने भी लोगों को दुनिया में जानता हूँ उनमें सबसे बड़े रोस्ट वही है और रोस्ट कल्चर शायद इंडिया में अभी आया है लेकिन रोस्ट कल्चर उनके अंदर जब से वो पैदा हुए तब से है तो ऐसे ही एक टैलेंटेड सिंगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अद्भुत और अनोखी कहानी के साथ आज आपके साथ मौजूद है ठीक है, तो है, है अच्छा बोला यार फर्स्ट टाइम मैंने इतना सीरियस तेरे से कुछ सुना है मतलब इतना लंबा वेरी नाइस तो भाई आज बहुत मुश्किल है मुझे पॉडकास्ट करना क्योंकि मैं तेरे तरफ देखूंगा तो मुझे हंसी आती ही रहेगी तो हम लोग हंसते खेलते बात कर लेंगे हाँ यार वैसे ही करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात uh, तुम्हारी जर्नी बहुत अलग है ठीक है और मैं तो सारी चीज़ें जानता हूँ तो मैं एक्चुअली uh, सवाल में जवाब नहीं देना चाहता तो मैं तुमसे ही शुरुआत करते हैं कि फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टिल नाउ व्हाट इज योर स्टोरी सो फार राइट right. शुरू से शुरू भाई मेरे को कभी फर्स्ट थिंग गाना तो मैं पाँच साल की उम्र से गा रहा हूँ तो फाइव इयर्स ओल्ड था, था तब तो से मैं गा रहा हूँ तो वो होता है ना शादी मंगनी में जाते हैं अपन किसी के तो ढोल ढोलकी ओलकी बजती है मेरी मम्मी पंजाबी है तो सारी पंजाबी शादी में हम जाते थे तो मेरा निक बंटी है तो वैसे बंटी गाना गाएगा तो ऐसे ही गा तो तब से ही रहा हूँ मैं पत ऐसा पता नहीं था ना कि गाना गाना तो गाता है कोई भी गाता है ऐसे ठीक है तभी मैं जब छोटा था कुमार शानू जी का बहुत बड़ा फैन था मैं बहुत बड़ा आज भी हूँ मतलब उस टाइम लेकिन उनके गाने थे ना चलते थे सोचेंगे तुम्हें प्यार वो सब गाता था तो मैं ये गाने गाता था लगा पड़ा रहता था तो मेरे को पता नहीं था सिंगिंग करना है क्या करना है फिर थोड़ा बड़ा मैं क्रिकेटर बनना चाहता था फिर मैं बोला क्रिकेट खेलते हैं यार क्रिकेट खेलता ही था मैं फिर स्कूल कॉलेज के लिए तो ये नहीं पता था लेकिन इसके बीच में क्या करना क्या है एक डैडी मेरे डैड ने मेरे को ये बोला था कि देखिए एक नौकरी होनी चाहिए दस हज़ार की सैलरी होनी चाहिए जो कंसिस्टेंटली आती रहे बाकी देखो साइड में जो करना है तू कर क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये सिंगिंग क्रिकेट इसमें तुक्का लगा तो लगा वरना और वो तो मेरे को मेरे डैड हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि भाई नहीं होने वाला तेरा कुछ ये सब सिंगिंग में कुछ नहीं होता ये क्या अभी गा रहा है तो इधर तेरी मासी ताली मार रही है तो उधर कौन ताली मारेगा पागल है क्या मासी तो हाँ ही बोलेगी माँ तो तेरी हाँ ही बोलेगी बट वैसा था बट इट वॉज दैट बैड पर डैड की तरफ से कोई सपोर्ट कभी नहीं था लेकिन मॉम बोलती थी अरे नहीं नहीं माँ तो माँ होती है ना फिर माँ के लिए तो वही होता है कि उसका बेटा ही को सुनो नहीं का मैं तो माँ माँ तो वही ना भाई तो माँ ने बोला कि नहीं 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 अच्छा गाता था और कमाल है बंटी और नहीं तो बंटी कर बंटी का तो बंटी को भी एक पॉइंट पे जब <laughs> मैं था भाई बारह तेरह साल का तो मुझे भी लगने लग गया था मेरी मम्मी ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया ना कमाल है हाँ बंटी कमाल है तो बंटी को भी अंदर से दो तीन बर से गाया तो मम्मी ताली मार रही है मासी तो मैं है यार बात तो मैं बोला भाई लेकिन यार वो बात भी सही कर रहा है फिर मैं बोला एक नौकरी वोकरी करते हैं कुछ तभी कॉलेज में था मेरे को पता नहीं था क्या करना है एग्जैक्टली तो क्या करें तो पापा ने बोला कि भाई अब तेरे को एक पढ़ाई वढ़ाई कर ले पहले ग्रेजुएट बन जा अब पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था लेकिन ट्वेल्थ में आने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ आ, पढ़ाई से वो इंटरेस्ट ही चला गया होता है ना जब आप एच में जाते हो पढ़ाई से वो इंटरेस्ट चला गया तो मैंने बोला अभी क्या किया जाए क्या करना क्या मेरे को पता ही नहीं था मेरे को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं मोटा बैंड बजाता है वो, कैशियो पियानो नहीं होते वो बजाता है तू इधर गा ना तू गाता रहता है इधर उधर मुंह मारता रहता है शो तो कुछ कर नहीं रहा सिंगर सिंगर तेरा बाप मुझे बोलता रहता है वो सिंगर बनेगा सिंगर बनेगा तो जाओ वहां पे तो मैं गया तो मैं गया तो उधर वो पहली बार मैंने कीबोर्ड देखा भाई कीबोर्ड तो वो बजा रहे थे कि अंकल बहुत बूढ़े से थे और वो अच्छा ठीक ठाक बजाते थे भाई उस टाइम भाई जो पहली चीज मिली वही अपने लिए सबसे बेस्ट थी तो उधर मैंने वो पहला गाना गाया था जो भी कसम तो मैं उदित जी उदित जी को मैं अपना गुरु गुरु मानता था तो मैं उनके गाने ज्यादा गाता था पहले मैं कुमार शानू का फैन था बचपन एकदम छोटा था लेकिन बाद में उदित जी जैसे आए थोड़ा उदित जी के गाने बाद में आए ना कुमार शानू जी के बाद तो मैं उदित जी का सब गाने उदित जी के तो उनकी कॉपी करके गाना जैसे वो गा रहे वो गाना वैसा ही गाना सिर्फ उनके गाने तो मैं उनके गाने गाता था तो उन्होंने मेरे को बोला रे तू तो अच्छा गाता है मराठी लोग थे भाई वो महाराष्ट्र लोग थे तो बहुत नाइस लोग थे तो उन्होंने बोला तू चांगना गा तो गातोस। अच्छा गाता है तू तू कुछ कर ऐसा ऐसा तो उधर एक दिन क्या हुआ वो जॉनी जॉनी लीवर साहब जो है उनके एक तुम्बा प्लेयर आते थे वो भी रेलवेज में काम करते थे तो वो जॉनी लीवर के लिए तुम्बा बजाते थे तो वो आए थे उस दिन तो वो आए तो एकदम अभी वो तुम्बा प्लेयर जॉनी भाई के थे ना तो मेरे को बोला गया था बाड़ा काका आने वाले हैं बाड़ा काका तो मैंने कौन है बड़ा का बोल दो तो जॉनी लीवर के लिए बजाते हैं तो अपने लिए तो वही होगा ना जॉन लीवर तो साइड में होगा ना बहुत बड़े हो तो उनके लिए जो बजाते हैं वही बड़े हो गए तो मैंने जॉन तो आए तो सब वैसे हाथ पीछे करके आते थे वैसे बैठ जाते ओके आज मैं बजाऊंगा तो तुम वो उधर ढोलक बजा रहे थे मैं जॉनी भाई तो मेरे लिए तो वो ऑडिशन ही था ना काम कुछ दे नहीं रहे थे वो मेरे लिए वो ऑडिशन ही था मैं आज तो अच्छा गाऊंगा तो मुझे गाने ही नहीं दिया उन्होंने तो पहले ही बेजती की मेरी गाने नहीं देने आज ना आए मैं येणार नेक्स्ट वीक ये वैसे मराठी में बोला मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा भैया बोला ठीक है तो नेक्स्ट वीक वो आए तो मैंने वो गा, पहला गाना गाया वही जो भी कस दो तीन ही गाने वो अंकर को कैशियो पे आते थे तो मैं वही गाता रहता था तो उनको नहीं आता उनको सेट करने में बहुत टाइम लगता था क्योंकि तो रेलवे में काम भी करते थे तो उन्होंने बजाया तो मैंने जो भी कसमें गाया तो बोलते ये उदित जी सर का कशा लगा दोस्त तो, मतलब मराठी में बोला क्यों गा रहा है ऐसे उदित जी जैसे क्यों गा रहा है मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ तो मेरे को उदित जी की आवाज़ पसंद तो हाँ मैं वैसा साउंड करता हूँ तो बोलते ऐसा मत गा अच्छा है अच्छा है बट फॉलो करने के लिए अपनी आवाज में गाने का मैं अभी अपनी आवाज में कैसे गाने का मैं अपनी आवाज में तो मैं कौन सा दूसरा गाना गाता हूं फिर मैं किशोर कुमार के गाना का तो के गाना नॉर्मल हो किशोर दा का गाना तो नॉर्मल आवाज बोलता हाँ ये आवाज़ फिर उदित जी का गाना बोलता ये नहीं आ रहा वो मेरे को वो जैसे जी का अरे जो भी में खाए, मेरा ऐसा ही क्यों साथ क्यों नहीं गा रहा मैं वो उदित जी के गाने में आ जाता है मेरा भी हाथ ऊपर हो जाता था तो मतलब भाई हो ही नहीं रहा है मेरे से तो उन्होंने मेरे को वो बोला कि भाई अपनी आवाज सर को बनानी पड़ेगी ऐसा नहीं होता पर मैं बहुत टाइम तक उदित जी उदित जी मतलब मैं इतना उनको पसंद करता हूँ तो मैं उनके गाने लगा पड़ा तो उन्होंने मेरे को एक दिन बोला फोन किया लाइक एक डेढ़ साल बाद ऐसे मिलते रहते थे ना तो उन्होंने फ़ोन किया कि एक काम करो सैंडस रोड आ जा टाउन में तो एक एड्रेस दिया बोला इधर आ जाना ऊपर स्टूडियो में तो मेरे को मालूम नहीं बोलता खाली आ जा तू मेरा स्टूडियो में तो मेरे को स्टूडियो क्या लगा फोटो स्टूडियो मेरे को पता नहीं था कि एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी होता है भाई सोलह साल की मेरे को फोटो स्टूडियो में क्यों बुलाया इन्होंने मेरे को तो मैं गया तो बोलते हैं एक स्टूडियो था वो कांच वाच जो होता है अपना तो उसके तो रिकॉर्डिंग तो तो स्टूडियो तो यार मैंने बोला उधर चला जा तो वो कांच के डायरेक्ट तो बोला कि कुछ बिठाया बिठा बिठा पानी जाओ बिठा उधर जाओ और माइक ऐसे लगाया किसी ने मुंह पे तो पर अरे तो पकड़ पकड़ने का नहीं है उसको <laughs> उसको उधर रखा तो, तो, तो हाथ पीछे कर तो तुम्हें बोला ठीक है ठीक है काका तो मेरे को बोला गाओ तो उन्होंने रुक जाओ दिल दिवाने का ट्रैक लगाया और बोला गा तो पहले बार तो गुफा हुआ ना दो बार मैंने ऐसा थोड़ी होता है कि ट्रैक लगाओ गा आया नहीं कुछ पूछते भी नहीं बैठने को तो आदमी को बोला सांस तो भाई दो तीन बार फिर मैंने गा दिया रुक जाओ जल्दी वाने फिर भाई वहां से जॉनी भाई आए और इम्तियाज भाई जो उनके मैनेजर तो भाई पहले तो समझ नहीं आया ना मतलब ये वही है जॉनी भाई ये तो, 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 तो वो बोलो आपस में बात कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला चलो ठीक है इसको मतलब जो भी उन्होंने बोला ऐसा ऐस मेरे को ऐसा लगा कि रख लेते हैं इसको तो मैं बोला ये तो जॉनी भाई है तो मैं अरे मेरे तो भाई ठंडा पसीना यहाँ से जो निकलना शुरू हुआ मेरे को जॉनी लिवर स्टार तो मैं गया अब तो मेरा का वो मैं उनको देख ही नहीं रहा था मेरी इज्जत हो गई मतलब का, का है, है उनको मिलना है तो, मिलना है। तो उनसे मेरा तो उन्होंने बोला कि चलो इसको एक शो में ट्राई कर दे फिर मैंने पहला शो जो किया वो था गोविंदा नाइट जो आज भी विरार में होती है विरार स्टेशन पे साई बाबा का दरबार लगता है तो थर्टीन में आपको हर साल होती है वो

तो एक एक गाना तो अभिजीत अभिजीत ने अपना गाना गा लिया बोलो और नीचे से गाने दिया उसको मुझे तो ऊपर जाने मिला और बहुत क्राउड होता है भाई तो वो टीवी पे आता है विरार के टीवी भी पे आता है तो मैंने बोला भाई ये तो कमाल हो गया आज तो मैंने क्राउड आउड के समझा और गा दिया अच्छा अच्छा गाया तो बोला ओके okay, तो हमको भाई फर्स्ट टाइम है भाई, हम लोग उस टाइम में वो पंडाल वंडाल में शोज करता था तो उसके बाद पचास रुपए कभी मिलते थे सौ रुपए जैसे मैं को बोला भाई उस शो में मेरे को ले जा तो होता है ना मैं इस म्यूजिशियन से मिलूंगा मिल तो 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 मतलब? अच्छा। <laughs> देते थे।, भेल या थे खा ले अच्छा बोलते भी थे एकदम वो के सब सीनियर लोग थे ना बोले बस इधर बैठ ये खा चल चाइनीज मिला ना खुश है ना अब घर पे जा तो घर पे जाने के पैसे नहीं मैं पचास रुपए घर कहा जाऊंगा रात को तो तो वो वो में में चलती चलती थी थी ना दो एक नंबर की बस टाउन तो के।, हाँ, तो, के आसपास की बात है तो ये चल रहा है भाई ये फेज चल रहा है तो बोला पर मजा आता था भाई वो गणपति के पंडाल में मैं तीन तीन घंटा गाता था सीखता था कि दूसरा सिंगर क्या उसमें भाई सब सिंगर्स आते थे एकदम खतरनाक वाले जो

वो मेरी तरह नहीं था कि उदित जी का गाना उदित जी की आवाज में वो हर गाना कुमार शर्मी की आवाज़ में गाता था तो आप उसको कुछ भी गवा लो बिन तेरे एकदम पायरेटेड तो मैं कहता यार कैसे इससे ऐसे अपने को लगता है ना कि इससे तो अच्छा मैं गाता हूँ सुरीला थोड़ा इसका फील नहीं है बट चैंग भाई है वो क्योंकि चैंग भाई दुबई जाके आए हैं चैंग भाई होटल वोटल करते हैं लंडन में तो उन्होंने मेरे को बोला पासपोर्ट है तुम्हारे पास अच्छा गाते हो पासपोर्ट मैंने नहीं पासपोर्ट नहीं है पासपोर्ट बनाओ मुझे कॉल करो

तो हम लोग को पहली पेमेंट मिली तो उसमें ना उस टाइम कैश मिलता पचास सौ के रुपये तो इतना गड्डी मिली भाई तो मैं बोला अभिजीत को मैंने देखा फर्स्ट टाइम हम मिले थे बोला भाई तेरे को कितना मिला तो बता तो तो ये मिला है तो वो भी शौक मैं भी शौक बोला भाई ये अपना ही है ना क्योंकि पहले गिने हमने तो वो दो हज़ार रुपये निकले भाई मतलब भाई एक गलती से किसी और की पेमेंट आई है मतलब पक्का तो उसमें संभावना शेड थी ना वो भी उनकी वो हमेशा परफॉर्म करते थी तो ये जो होगी ना वो अच्छी दिखती दिखती थी तो हम लोग को लगा कोई हीरो हम लोग को पता भी नहीं था वो कौन है इसका ही पैसा होगा हमको मिल गया है तो मतलब भाई एक बार पूछ लेते खर्च हो गए तो फिर कहाँ से देंगे अगर खा पी लिया फिर तो बाद में इम्तियाज भाई आया कि भाई मेरा पैसा तुम्हारा नहीं था तो मैं हम क्या करेंगे तो मेरा भाई इसको पूछ इमत भाई को पूछा भाई ऐसे हम कवर लेके गए मेरा भाई ये तो इम्तिज भाई बोलते हाँ भाई ठीक है ना ये ठीक है ना मतलब ठीक नहीं हमारा है कि नहीं पहले वो बताओ भाई की ज्यादा है बहुत हमको इतना मिलता नहीं हमको तो पचास सौ मैंने बोल दिया तो बोले नहीं भाई तुम्हारा ही अभी अपना पेमेंट यही रहेगा अपन अभी करते रहेंगे काम तो हम लोग भाई पागल हो गए सुबह पाँच बजे अंडा पाव खा लिया हम लोग ने गुस्से में <laughs> मतलब भाई उधर स्टेशन पे भूर्जी मंगा लिया मैंने मंगाया मैंने अभिजीत को बोला भाई मेरे ऑन मी फर्स्ट टाइम मिलके मैं एकदम फ्री हो गया था उसके बाद में ऑन मी बोले क्या चाय पिएगा क्या पिएगा मतलब दो चाय लगा मस्का बन सब खा लिया भाई मतलब पचास साठ रुपए का तो खाना खा लिया होगा उस जमाने में हमने बहुत महंगा था भाई तो दो हजार रुपये मेरे और जब इम्तिया भाई का फोन आया तो होता है ना कि अब दो हजार मिलने वाले वो वाला तो फिर जॉनी भाई के जॉनी भाई के भी किए धीरे धीरे फिर भाई एक पॉइंट था जब मैं कॉल सेंटर भी कर रहा था कॉल सेंटर में काम नौकरी ले रही थी कि डैड ने बोला भाई जब भी आता था मैं किसी शो से ऑब्वियसली गणपति के पंडाल में छोटे मोटे शो होते मजा बहुत आता था मुझे लेकिन वो था ना कि वो उधर जब तक आप स्टेज पे होते थे आप स्टारडम है उसके बाद खत्म हो जाता था जैसे उतरे आप बस स्टॉप पे आके बैठ गए दो सौ एक का वेट करना है वो स्टारडम उधर ही खत्म ठीक है तो डैड जब भी आऊं तो रात को डैड दो, दो चार बजे ऐसे रेडी रहते थे, थे मेरे लिए आ गया बोला हाँ अच्छा ऐसे बोले थे कौन शाहरुख खान मिला तेरे को नहीं पापा शाहरुख खान कैसे मिले क्या बोल रहे बोलते किसी झोपड़पट्टी में गा क्या है वो बता मैंने पापा गया ना इंपॉर्टेंट है अभी आपको उस टाइम रिकॉर्डिंग में दिखाऊं कैसे इनको कि मैं अच्छा काम करके आया यार फिर उसके बाद भाई कॉल सेंटर आया तो मैंने बोला अभी ये नहीं होगा यार क्योंकि शोज रात को करके फिर दो बजे जॉब पर जाना और फिर सुबह तक सोना फिर वापस शाम को शो करना और शो में कुछ मिल नहीं रहा था ना वो सौ पचास के लिए आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ता था और तो खर्चा ज़्यादा हो रहा था बोला ये नहीं हो रहा है डैड बोलते यार एक नौकरी जो कर रहा है वो उस पर कॉन्सनट्रेट कर फिर एक नौकरी वोकरी ढूंढ ले फिर मेरे मैंने दो तीन लोगों को बोला दुबई वुबई में कोई जॉब वॉब है क्या भाई होता है ना ये सिंगिंग वाला ये हो नहीं रहा है कुछ फील नहीं आ रही फिर अभिजीत सावंत गया इंडियन आइडल में तो मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशन पे गया मैं मैं गया लाइन में था मैं अभिजीत के साथ और भाई मैं क्योंकि नाइट शिफ्ट से आया था मेरे को बहुत नींद आ रही थी मैं बहुत थका हुआ था मतलब ऐसे आंखें बंद हो रही थी क्योंकि बारह घंटे की शिफ्ट होती थी, थी ना वो कॉल सेंटर की आंखें मैं अभिजीत बोल नहीं होगा भाई मेरे से मेरे से हो नहीं रहा मैं ना दादर में था इन वर्ली में तो मैं नहीं होगा भाई ये तो नहीं हो ही नहीं रहा है मेरे से मतलब आँखें बंद हो रही एकदम बुरी तरह से मतलब मैं जारों में चला गया अभिजीत समाध इंडियन आइडल बन गया मतलब समझ रहे हो अभिजीत सावंत इंडियन आइडल में बोला मुझे भाई मिस कर दिया। आना ने नो क्या, है, क्या है ऐसा हुआ फिर अभी उसके बाद वो आया तो Sorry. मेरी मम्मी ने रजिस्टर किया सेल फोन से बोला तू जा और इस बार तो वैसे ही मैं गया सुबह छह बजे के ऑडिशन में वैसे ही चार बजे जाके लाइन में खड़ा कोई नहीं था भाई वहां पे तो मतलब भाई इसमें तो कोई है ही नहीं कुछ शो है भी कि नहीं पता नहीं तो हमको लगा पहले ही शंकर जी मिल जाएंगे वहां पे जावेद साहब मिल जाएंगे ऐसा नहीं था वो, कास्टिंग होते हैं ना पहले तो हाँ ए गा तुम गाओ तो बिल्ला लगाओ मतलब पता अरे गाओ जल्दी गाओ टाइम नहीं है छह लोग खड़ा तो मैंने गा दिया बोला हाँ उधर बैठ जाओ ए तू गा ए तू गा ऐसा यार ये तो बहुत बदतमीजी है ये कैसे ऑडिशन है शंकर जी कहा है तो उसने फिर बोला हाँ तुम तीन सिलेक्टेड ए तुम लोग जाओ ऐसे यही होता है ना फटाफट करना छाटना पड़ता है उनको भाई तीन ऑडिशन वैसे उन्होंने लिए उसके बाद जाके तभी भी शंकर जी कोई नहीं आया फिर इला जी आई पदमा जी आई और प्रशांत समाधि इन्होंने हमारा ऑडिशन लिया तो भाई उसके छह सात ऑडिशन दिए तो उसमें भाई कीर्ति भाई है ना कीर्ति सगाटिया हाँ, कीर्ति सगाटिया पे गाते थे इनके लिए जॉनी भाई, थे, भाई थे, वो उनके लीड सिंगर थे तो हम लोग उनके पीछे पीछे होते थे हमेशा मिनल जैन और कीर्ति सघाटिया उनके लीड सिंगर्स हुआ करते थे हम लोग पीछे एक एक स्टेप पीछे गया कीर्ति भाई कैसे हैं क्योंकि हमको तो क्या था एक गाना मिले दो हजार मिले अपना काम हो गया कीर्ति भाई के लेवल पे जाना ही नहीं वो ऐसे एक एटीट्यूड ही तो बना हुआ था तो वो ऑडिशन दिया तो भाई उसमें तो पता नहीं चला वो सात आठ ऑडिशन दिए तो कब भाई टॉप ट्वेल्व आ गए थर्टीन पता ही नहीं चला हमको टॉप ट्वेल्व थर्टीन तो मैंने मेरी मम्मी को फोन किया रैमी इंटरनेशनल में था मम्मी टॉप ट्वेल्व में शायद मैं आ गया उन्होंने ले लिया मुझे टॉप ट्वेल्व मेरे को ऐसा लगा तो मैंने भाई

5000 हजार तो हो जाएगा ये पहला वो था तो भाई वो हो गया तो उसमें तो भाई पता ही नहीं चला से, से, ज़बरदस्त हुआ, हुआ, सीखने मिला उधर उधर पता चला कि भाई तुम जो उधर गा रहे हो उस माइक्रोफोन पे और तुम जब रियलिटी में साउंड क्या करते हो ये साउंड करते तो भी नहीं लिया था रियाज भी नहीं करते रियाज मतलब कैसा था गाते रहता था वही था तो कभी ट्रेनिंग ली नहीं फिर पदमा जी जो है और सुरेश भाडके जी की वाइफ आ, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को बोला कि मैंने उनको बोला कि मेरे को ना मेरे को भी ऐसा करना है क्योंकि अरिजीत था तो भाई सब बहुत कमाल कमाल लोग थे वहाँ पे और जो ऑडिशन में मैं देख रहा था वो तो भाई नेक्स्ट लेवल गा रहे थे जहाँ ऐसे क्योंकि मैं अकेला बैठा था ऐसे में सुनता था ना मैं सुनता ही रहता गिटार लेके लोग बजा रहे हैं टोटा टोटा कपरिंदा और वो कमाल गा रहे थे बोला भाई इधर आया ही क्यों मैं ऐसी वजह नहीं आना चाहिए था इज जाएगी जो दो सौ रुपये का शो मिल रहा है वो भी लोग देखेंगे ये सेलेक्ट नहीं हुआ था सला ये वही है तो मैं बोला भाई इधर नहीं आना चाहिए था भाई लोग कमाल गा रहे थे ना उसमें अच्छा उसमें वो माता की जगराते वाले गाने गाते हैं ओ, वो सब चल रहा है तो मैं बोला भाई और क्लासिकली चलता है ना उसमें तो ये गाने चल रहे और अपना क्या अपने को मेरे, मेरे दिमाग में क्या क्या जाके क्या गाऊंगा हम गाएंगे तेरे नाम हमारा ये था तो मैं ये गाना गाऊंगा तो इनके सामने सेलेक्ट कैसे होगा तो हो गया ऑडिशन भाई फिर भाई उधर से थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई अंदर मेरे को पता नहीं था क्या हो रहा बाहर भाई इतना पता है सवा लाख का कर्जा हो गया था हाँ, कैसे कि मम्मी ने ले रखे था ना मेरी नौकरी छूट गई थी नौकरी नहीं थी तो मम्मी ले रही उससे कि मेरा बेटा अंदर है इधर से वो तो मेरा बेटा अंदर है बीस दो तो ऐसा करते करते तो रिश्तेदारों में सवाल आख का कर्जा हो चुका है तो मेरे को पता मम्मी गाला राउंड में जो आती थी बोलती थी कुछ नहीं पहले मम्मी बाकी सब ठीक है ना मतलब कैसे हो रहा है क्या हो रहा है भाई अपने को पता नहीं पैसा कहा है ना कोई बैंक पे थोड़ी बैलेंस पड़ा है कि तो वो बोल रही है मम्मी मम्मी वो दे, हाँ, सब है, हाँ, सब ठीक है कितना होता था भाई उस टाइम सवा लाख का कर्जा मतलब क्या होता है तो भाई फाइनल जब मैं रनर अप बना फाइनलिस्ट काजी और रूपरेखा जी जब मैं बाहर आया तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल ये है मेरे को पता नहीं था भाई क्या हुआ है मतलब ये तो लोचा हो गया मैं काम तो मिलेगा बट ये तो लोचा हो गया हार गया यार हारना नहीं चीता ऐसे मुझे से लगा पीछे आया और कोई पूछ नहीं रहा था भाई भाभी जब हारता है ना उसको कोई पूछता नहीं है तो मैं तो खड़ा था ऐसे मतलब कोई तो आ जाओ कुत्तो कमी कोई तो एक आदमी तो आए कि बोले कि रेक्स यार कोई बात नहीं तुम तो हो जाएगा कोई नहीं पूछ रहा भाई मुझे ऐसा बोला गया था जिसका अरे मुझको देख के ही बोला गया था जिसका नाम नहीं लिया जाएगा ही विल जस्ट लीव द स्टेज मेरे को देख और मैं डर गया मेरे को देख के बोल रहा मतलब मैं ही हूँ मेरे को कॉन्फिडेंस है मैं ही हूँ मैं ही हूँ और मैं ही था तो बाहर जाके अच्छा बैक स्टेज खड़ा हूँ भाई 20 मिनट तक तो कोई आया ही नहीं मेरे पास वो काजी जीत गया रूपरेखा जीत गई उधर भाई वो फुआरे फट गए सब ब्लास्ट हो गया मैं बोला मैं, मैं जाऊँगा कहा अभी अभी कहा मुझे कोई बताओ तो सिर्फ डायरेक्शन दो मैं कहा जाऊँ दो नंबर की बस ले घर जाऊँ या मतलब बस स्टॉप जाऊँ कहा जाऊँ तो फिर एक वो क्रू आया बोला अभी तुम्हारा उधर इंटरव्यू है एम पे चलो क्योंकि तुम्हारा पहले होगा अच्छा इस तरह तो बेजती भी की तुम्हारा पहले होगा कि तुम हारे हो तो तुम्हारा पहले होगा अरे यार भाई कैमरा मैन ही था क्रू मतलब भाई यही इज्जत मतलब छः महीने से आए हाँ, अभी हारा है अरे भाई मतलब तुम हार गए ना अभी रनर अप हो चलो रनर अप उधर जाओ तो भाई उधर इंटरव्यू दिया फिर उसके बाद भाई किसी ने आके मेरे को कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है सोनी तुमको हैंडल करी मैंने मुझे करना क्या है मैं खुद लोगों को बोलू मैं काम कर सकता हूँ मुझे शो दो मैं इम्तियाज भाई के पास जाऊं करूँ क्या तो फिर सोनी के कुछ लोग आए जिनको आप भी जानते हो तो वो लोग आए सीरज हरमित फिर उन्होंने बोला कि ओके यू हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नो माय गॉड मैंने साइन किया कभी <laughs> क्योंकि हम साइन करा लेते हैं ना कहीं भी हो मेरे को तो पता ही नहीं मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैंने कब साइन किया बोला आपने साइन किया था पेपर आए थे

दो तीन दिन बाद मैं घर गया क्योंकि वो आज तक आज तक पे इंटरव्यू इंटरव्यू थे तो वो खत्म किया तो तब तक मेरे को पता ही नहीं है भाई कि मैंने क्या किया है या मैंने कहा था मैं सोनी टीवी मैं नहीं मतलब अंदाजा था भाई पहला शो सूरज का आया फोन और मैं रहता था भाई चाली में जहाँ पे वहां पे लाइन लगती थी देखने को मेरे को जैसे कि मैं डायनासोर की आखिरी पीढ़ी हूँ तो मैं सोया भी चड्डी वड्डी में रहता था ना तो तो भाई आंटी उनको बोला अच्छा मैं चाली थी ना एक ही रूम था तो मैं नीचे तके पे लेटा रहा था मैं यार अच्छा मैं उनकी नज़र में स्टार हूँ लेकिन मुझे हमेशा भाई जींस में रहना पड़ता था, था मतलब तो तो यहीं रहेंगे तो फिर डेढ़ लाख का कर्जा हो गया थोड़ा पच्चीस और बढ़ गया तो मैंने मम्मी डेढ़ लाख आपने किया क्या छह महीने में डेढ़ लाख बेटा डेढ़ लाख मतलब इधर स्टूडियो में आना जाना रिक्शा विक्शा तो मेरा मम्मी अच्छा डेढ़ लाख सुन के तो मेरा जो अंदर ब्लड प्रेशर कम हुआ ना मेरा मम्मी डेढ़ लाख कहाँ से आएगा पहली बात तो वो क्योंकि मेरे को अंदाजा ही नहीं था कि ये क्या है पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा तो पहला कॉल आया सूरज का बोला यू हैव शो विद अभिजीत सावंत और पहला शो मतलब भाई हमारा ये भी कमा था कि पहला बर्थडे पार्टी हम अहमदाबाद में करते थे मैं अर्पिता और अभिजीत सावंत तो बोला यू हैव टू टू गो लाइक ओवर देयर वाओ तो हमने बोला तो मैंने उसको पूछा कैसे क्या सीन है तब तो बोले एयरपोर्ट पे पहुंच जाना छः बजे तो छः बजे का तो कोई भी नहीं था वहां पे उसे दस बजे की फ्लाइट के लिए मेरे को छः बजे बुलाया क्योंकि वो लोग आर्टिस्ट को जल्दी बुलाते ना सब आर्टिस्ट लेट आते हैं अभी पैंतालीस मिनट पहले आता था मैं छः बजे से खड़ा हूँ वहाँ पे और मेरे पास टिकट भी नहीं की मैं अंदर जा सकूँ मैं बाहर ही खड़ा हूँ सांता रूज एयरपोर्ट पे अच्छा सेल मतलब वो हो होता है ना कि सूरज को कॉल किया वो उठा ही नहीं रहा क्योंकि वो खुद ही नहीं उठा था वो बोरली में रहता था तो ऐसे खड़ा हूँ मैला बदतमीज़ लोग छः बजे अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट है कितने बजे की भाई आदमी तीन घंटे पहले सुना था ना जाता है तो सूरज आया बोलता ओ ये, ये? मैं ये मैं छे बजे बोला था <laughs> मैं आर्टिस्ट हूँ मैनेजर कौन है <laughs> तेरे में से वो मेरे को बता दे मैं वेट नेक्स्ट टाइम से बोलता है, नहीं अभिजीत कम्स रियली लेट एक्चुअली ऑल द टाइम एक्चुअली अभिजीत कम्स लेट ना मेरे को भी बोलना चाहिए था ना कि तू भी थोड़ा कर, मैं टाइम पे ही आता हूं मैं टाइम पे आना चाह रहा था तो छह बोला मैं डर के मैं छह बजे आया तो ये फिर अहमदाबाद में शो किया भाई कोई पैसे नहीं स्टार्टिंग के चार महीने तक कोई पैसे किसी ने किसी ने कुछ एक रुपया नहीं था मेरे पास सुबह बर्थडे पार्टी शाम को मुंडन इंदौर अहमदाबाद लगा पड़ा खाली मरने का शो नहीं किया बाकी सब शो कर डाले थे मैंने मैं भाई भाई अच्छा ट्रैक्स में होते थे उस उस टाइम टाइम बैंड से ट्रैवल करता नहीं था तो ट्रैक पे भाई वो लगा जब जाओ चालू बहाने करके ले <laughs> गए दिल वही <वो> यार मेरा <laughs> क्या करवा रहे हो यार पैसे मिलने रहे हैं अच्छा फिर क्या हो रहा है रिक्शा से एयरपोर्ट जाना पड़ता था लोग पहचान रहे हैं तो मैं स्टार था ना मैं वो स्टार था जिसके पास गाड़ी ही नहीं थी रिक्शा में जाता था तो मतलब भाई क्या करें है नहीं तो क्या करें तो भाई गया तो ऐसे चलता रहा चलता रहा तो तीन महीने बाद क्योंकि वो रिक्शा के पैसे कर करके मेरे पंद्रह हजार मेरे पे भी चढ़ गए मेरे दोस्त। मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कॉल सेंटर वाले तो, शो तो कर रहा है पैसे क्यों नहीं पास? बिखारी क्यों है तू इतने तो घूम के नहीं आ गया तू दुबई जा रहा है पैसे क्यों नहीं मतलब पता नहीं वो दे नहीं रहे वो तो मांग पागल मांगना पड़ेगा तेरे को कैसे मिलेगा और तो मैं लिख के रखा था ऐसा एक शो अहमदाबाद तो शो दुबई लिख के रखा था भाई मैंने तो वह हमने तीन महीने में कुछ भाई मेरे हिसाब से हमने में अस्सी नब्बे शो कर दिए थे बहुत खतरनाक काम किया था तो भाई सोनी बीएमजी जी ऑफिस के, के मतलब भाई मेरे पैसे दे दो थोड़ा दे दो मेरे को चालीस से निकलना है मेरे को एक रेंट पे घर लेना है मेरे ऊपर कर्जा हो गया रिक्शा में नहीं आ सकता हूं मैं भी है या तो मेरे को तुम कुछ करके दो अलग से एक बस बस टेम्पो करके दो मतलब कुछ तो करके दो तो 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 बोला नो 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 प्रॉब्लम जस्ट दैट यू गेट अ पेमेंट मुझे तो दिन भी पूरी पेमेंट नहीं दी उन्होंने थोड़े पैसे दिए तो भाई वो चेक है ना फिर से वो चेक ही आया कैश नहीं देते तो तुम लोग तो बोला ओके <laughs> no तो, okay. तो गए तो उसने भाई बोला ये चेक है तो पांच सात चेक थे उसमें तो मैंने ये एक तो इसके लिए बैंक अकाउंट क्या तो सूरज, सूरज तो लखपति तो तो भिखारी हो गया लोगों के पैसे देने साले तुम लोग शोज करा रहे हो गला बैठ गया पैसे नहीं है बोलता है, एक देख तो सही चेक तो देख तो सही तो भाई मैंने पहला चेक जब खोला मैंने इसे देखा मैंने देखा तो भाई उसपे भाई भाई बीस लाख रुपया लिखा था मेरे को समझ नहीं आया भाई बीस हजार होगा भाई क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से कह था ना चालीस शो का उसने बोला था कि कुछ पंद्रह शो के पैसे तुमको मिल रहे हैं तो मैंने पंद्रह सौ के हिसाब से मैं बोला मेरे को मिलता था दो सौ फिर थोड़ा चलो फेम गुरु में के लोगों ने देखा पांच तो पांच तो पर शो मिलेगा मेरा यही हिसाब के था सोच ही वहाँ तक थी तो मैंने सेवेंटी तो मिल जाएगा तो मैंने पंद्रह का सेवेंटी के हिसाब से हिसाब करके रखा था तो ये सोच के साथ गया तो भाई पहला चेक लिखा था बीस लाख का तो मेरे को समझ नहीं आया भाई तो मेरा सच में प्रेशर डाउन हो गया मैं सूरज को बोला एक फैंटा पिला ना उधर एक छोटी गादी थी मैं लाना बता ला अरे क्या हुआ मैं अरे तू फैंटा देना भाई तू फैंटा दे तो उसने फैंटा दिया मैंने भाई दो फैंटा बिना सांस लिए दो फैंटा पिए क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर शुगर डाउन हो गई मेरी बीस लाख का चेक मैंने सूरज तो उसको मैं देख तो सही कितना है

कोई दो रहा है नहीं है कि रेंट वेंट की क्यों क्यों लूँ ना मैं पहले घर खरीद लेना है एक तो पहले तो एक वन रूम किचन का घर खरीद लिया मतलब टू बेडरूम का एक घर ही खरीद लिया तो वो मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात है मेरा ये था कि चलो घर बन गया आप मामला सेट है भाई अब मजा आएगा होता है ना ये अब मामला एक छत मिल जाती है ना फिर मैं बोला चले सिंगिंग नहीं भी चलती तो नौकरी वोकरी कर लूंगा बाद में फिर भी वही था डर था एक दिमाग में क्योंकि होता है ना कि चला गया तो ये सब अभी तो है कितने टाइम तक पता नहीं है ना अपने को क्या है क्या नहीं तो वो लिया फिर भाई उसके बाद तो भाई मतलब उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने परफॉर्मेंस करना शुरू की लोगों ने मेरे को बोला कि में जाओ। उसने जवाब कितना रेट है? किसने? सुरें। सुरें ने बोला उस टाइम कि आ, यू विल गेट 1.75 लैक्स तो मेरे को क्या लगा पर्सन पॉइंट मतलब ये तो कम है उस हिसाब से तुमने कम दिया है मेरे को टैक्स भी होता है ना बेबी टैक्स भी भरना पड़ता है तो ये सारी चीजें भाई मेरे को सोच के अंदर लेने में कि ये सारी चीजें होती मेरे को लग गए छह महीने उसके बाद और ट्रैवल चल रहा था और सारी चीजें मैं कर रहा था बट उसके बाद भाई बोलता है ना कि शोस करता गया करता गया करता गया घर लिया फिर गाड़ी ली भाई मैंने गाड़ी मेरे ख्याल से एक साल बाद ली वो भी मेरे को मेरे को आज भी याद है अभिजीत सावंत राहुल सक्सेन में बार मिले तो बोलते तू तो रिक्शा में घूम रहा है डर लगता था गाड़ी लेने को गाड़ी दस बारह लाख की आती है यार मैंने दस बारह लाख की गाड़ी क्या ही है ना

तो ये कैमरे में बोल सकता हूँ क्या मैं ये, ना? ये जब पहली बार एक्चुअली मित्तल जब आए थे मेरे घर पे तो ये छोटा सा हैंडी कैम लेके आए थे तो मुझे भी ऐसे ना ये इंटीमिडियट करता था लोगों को तो 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 जैसे बचपन से ही मिनिमम लंडन में रहा है बात ऐसे करता था बट ऐसा था आदि और ये रहा गुवाहाटी में मतलब और भी दूर

वो सोनी का मालिक खुद है वो तो बहुत यार ओवर कर रहा था हाँ ये आप बैठ दीजिए ऐसा मैं उसको सर बोला था चढ़ गया मैं बोला ये क्या तरीका है बदतमीज इंसान कौन था तो फिर पहला शो इसका मैं हमने गुवाहाटी में जो ऑडिटोरियम में शो किया राइट वो लेक के पास तो तारसेम से वैसी मेरी पहली मुलाकात हुई फिर शोज तो बहुत चल रहे थे तब तक तो भाई थोड़ा जब वैन यू मेट में थोड़ा सेटल हो गया था किट में वालाट में थोड़ा सेट था कि ठीक है ठीक ठाक mm -hmm. मतलब किसी को बुला सकते हैं अपने घर पे वैसा वाला हिसाब किताब था लेकिन उसके बाद तो भाई शोज में लाइव मेरे को बहुत लोगों ने बोला आपने प्लेबैक क्यों नहीं किया भाई प्ले बैक यार ऐसा था सिंपल लॉजिक कि मुझे बहुत लोग आज भी बोलते कि अरिजीत हमारे शो में था लॉर्ड ऑफ पीपल टेल मी की अरे भाई अरिजीत सिंह देखो मैं अरिजीत भी तो एक ही है ना कितने रियलिटी शोज आए अरिजी भी मेरी जगह पे होता तो वो ही करता जो मैंने किया है क्योंकि अरिजीत टॉप एट में आउट हुआ था तो उसका क्या था की उसको शोज नहीं थे तो उसने क्या किया वो अपना काम और अरिजी टैलेंटेड बंदा है वो उस स्टूडियो में काम करने लगा या वहाँ प्रोग्रामिंग कर दस चीज़ें उसने भी की उसने बहुत स्ट्रगल की उसका ऐसा नहीं कि उसको एक तुम यो गाना मिला और वो सुपर हिट हो गया नहीं उसने बहुत उसके पहले बहुत एक खतरनाक वाला गंदा वाला फेस देखा है तो वो था तो मैं लोगों को यह समझता कि भाई ये मौका किसी को भी मिलता ना तो वो पैसे पहले चूज करता एक लाइफ पहले चूज करता जो मैंने की एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं बहुत

कुछ भी जो उसके उस पर उससे पॉसिबल है उस पर तो हाँ बोलेगा ही जो नहीं पॉसिबल उस हाँ, हाँ हो जाएगा। और उसका मुंह ऐसा होता है ले रहा है हो जाएगा, हो जाएगा जाएगा अरे जिस से ने बोला है ना तारसे ने वो पहला टूर किया था और सबने अच्छे पैसे कमाए थे सबने वी ऑल मेड गुड मनी मज़ा भी बहुत आया था धमाल भी किया सबसे कम पैसे इसी ने कमाए थे क्योंकि इसने गवाए भी थे थोड़े पैसे जब तुम तो आर्टिस्ट थे तुमको तो गाना आता था मुझे तो कुछ आता नहीं था <laughs> तो मेरे को सबको बैलेंस करना था right. सोनी बिकॉज मेरी जरूरत नहीं थी right. वहां पे सोनी संजय मोरे है ना तुम काजी देवोजी चाह, देवोजी चाह। और नट्टू भाई नट्टू भाई सब भाई भाई करना था तो ये सारे लोगों के बीच की कड़ी मैं था तो इन सबको हाँ। खुश रखने की मेरी जिम्मेदारी थी सबसे कम पैसे आई थिंक आई वुड से कि तो नहीं मैं एक्चुअली पैसे के लिए सोच नहीं रहा था उस टाइम मेरे को तो यहा था कि मैं सीख रहा हूँ इसमें ना जो लोग सुन रहे हैं क्योंकि हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हमारी जिंदगी है लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सीखने के लिए क्या है मैं बताता हूँ कि कभी कभी ना आप ऐसा सोचते हो कि आपकी जिंदगी बन गई हमारी मुझे याद है नट्टू भाई ने हमारे टूर बुक किया था बीस शोज बुक किए थे और उस टाइम ना रियलिटी शोज पीक पे थे और ऐसा लग रहा था कि सारे गामा भी पीक पे सारे गामा बहुत चलता है सोनी बहुत चलता है है काजी है यू आर तो और और भी बाकी आर्टिस्ट थे बट ऐसा लग रहा था कि हमारा हम पागल हो जाएंगे यूएस में टिकटें बिकेंगी ऐसे जैसे क्योंकि right. हम इंडिया में जहाँ भी जाते थे तो भीड़ ही भीड़ होती थी, थी, थी। टिकट शो करो तब भी भीड़ है फेस्टिवल करो तब भी भीड़ है कॉलेज करो कुछ भी करो भीड़ होती थी hmm. हम लोग यूएस गए थे हमने बीस शो बुक किए थे लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ छह ही शो बुक हुए थे राइट

जब आप ऐसा सोचते हो कि आपकी जिंदगी बन गई है हो सकता है उस उस टाइम right, hmm. दो बाद हाँ, <laughs> 2006 सात तक एकदम पीक था हाँ, फिर इंडियन आइडल टू आ गया हाँ। फिर कुछ और आ गया right. कुछ और आ गया ऐसे बहुत सारे शोज आ गए तो अब रियलिटी शोज की बाढ़ आ गई थी बाढ़ आ गई थी चल रहा था मेरे ख्याल से करे उसके बाद तुमने करियर कैसे नेविगेट किया वह उसके बाद ये था ना कि मैं परफॉर्मर तो पहले से ही था लाइक मैं स्टेज परफॉर्मेंस मेरे को वो जो मैं कहता हूँ ना आज भी कि आई एम वेरी थैंकफुल कि वो जहाँ भी पंडाल में मैंने गाया है जहाँ भी छोटी मोटी ग्राउंड पे मैंने गाया है मैंने मराठी गाने भी गाए मराठी गाने भी गाता मराठी शो गुजराती भी गाया आज भी गाता हूँ तो बट वो सारी चीज़ें जो मिलाकर जो छोटे मोटे पंडाल वंडाल में शो करके ना गणपति का पंडाल हो गया कभी दही हंडी का पंडाल होगा उसमें गाए मैंने ऑर्केस्ट्राज में गाए तो वो उसमें हुआ ये है ना कि उसमें सीखने को बहुत मिला उसमें सॉलिड सीखने मिला कि भाई तुमको वो गाना है जो उनको पसंद है ना कि जो तुमको पसंद है तो वो मैंने सीखा तो मेडली कैसी होती है नचाना कैसे है लोगों को दो घंटे दो ढाई घंटे तो वो चीज़ें बेसिकली मैंने सीखी उन छोटी छोटी जगहों से okay. जिसके लिए मैं बहुत सॉलिड थैंकफुल हुई बाड़ा मुंगेकर जो इनके नाम ले रहा हूँ संदीप पांचाले ड्रमर थे एक जो गुजर गए आ, बट इन लोगों ने बताया कि ये नहीं ये कर ये नहीं ये इधर मैं निकला गड्डी इधर आएगा ये वो तो ये सारी चीजें भाई सीख सीख के सीख सीख के मैं लाइव परफॉर्मेंसेस में शादी के शो शुरू किए शादी के शो हमको पता नहीं था शादी के भी शोज होते हैं तो शादी के शो शुरू किए थे तो शादी के शो में पहले हम सिर्फ गाते थे खड़े हो गए थे नहीं यार सिर्फ गाएंगे तो कौन देखेगा क्यों देखेगा तुम कोई भी हो कोई भी नहीं देखता कि तो फिर वो शुरू किया कि नहीं यार दूर दुल्हन से इंटरेक्ट करना पड़ेगा करेंगे जाके घुस जाएंगे अंदर घुस के करेंगे तो ये सारी चीजें करने लगे हम इंटरेक्शन हो अः फिर जाके मजाक उड़ाना जैसे अभी अब मैं ऐसे बात करू मैं तो ये चीज अपने परफॉर्मेंस में भी डाल देता हूँ आई डोंट केयर वो पर ऐसा बुरा लगे ऐसा नहीं कि वो मजाक उड़ाना तुम्हारे अंदर है वो तो, में है भाई तो, तो वो जा नहीं सकता तो वो दूल्हा दुल्हन हो इट्स इट्स अ हार्ड जॉब कि भाई पहली बार आप दूल्हा दुल्हन को मिल रहे हो एंड यू में मेक फन आप उसको गवाओगे तो वो कुछ ना कुछ गंदा ही गाएगा हाँ दूल्हा गंदा ही गाता है

आठ नौ के बाद कैसे आपका तो सस्टेन करना जरूरी था लाइव परफॉर्मेंस में तो फिर मैं यूएस गया यूएस के में नटो ठकर के साथ में यू you नो know, कि टूर चलते रहे एवरी ईयर ज्यादा था मैं तीन चार महीने शो तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक करता हूँ हाँ पहले तो तुम्हारी एक बहुत अच्छी खास बात है रेक्स जो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो हजार में मुझे ये पता है कि ज्यादातर जो लोग है ना वो अपने आप को कंपेयर कर रहे थे कि यार अभिजीत सावंत कितने रुपए लेता है शोज के कितने रुपये तो मेरा कम है ज्यादा है काजी बिनर है तो कितना लेता है

बेसिकली हमने नहीं शोज शो किएराट में शो जाते 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 थे दस दस घंटे करके गए थैंकफुल ले ले तू ले काम ले ले इम्पोर्टेंट वो था बिकॉज यू नो काम होना जरूरी था मेरा ये था कि बिजी होना जरूरी है ना कि मैं अभी वो कंपेयर करने बैठू कि अभिजी साउंत कितना ले रहा है और लोग सही कह रहे हैं लोगों ने छोड़े भी है शोज

वो भाई वो रियलाइजेशन मतलब मुश्किल है वो आना बट वो होना बहुत जरूरी है कि कि right. भाई तो मैं इसलिए बार बार हाँ. बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत लोग हैं जो पॉडकास्ट देखेंगे सुनेंगे और वो अभी उस दौर से गुजरेंगे और उस दौर से जब गुजरेंगे ना तो बहुत बार लोग उनको रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग पसंद आना बन जाते हैं right. है और तुमने जो फॉर्मूला अपनाया वो तुम पहले बन रहे हो रियलिटी शो से mm -hmm. की नेटवर्क ठक्कर थे उन्होंने लॉस किया था बट उनकी एक्सपर्टीज थी डांडिया और गुजराती शोज का राइट एंड तुम यहाँ से तुम अपने शोज़ जो कर रहे थे कर रहे थे और 2007 2007-8 में मेरे मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से कोई भी रियलिटी शो का सिंगर था जो ये डिसीजन लेता नहीं लेता कि मैं दो तीन महीने के लिए यूएस चला जाऊं और वहां जाके वहां के लोकल शोज करूं बिकॉज दिस कल्चर नॉट एग्जिस्ट एक नया कल्चर बिल्ड हुआ था उस टाइम पे लोकल गुजराती सिंगर या छोड़े -छोड़े होते थे क्योंकि अभी भी इंडिया में रहने वाले बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे फैंस को इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है राइट अभी भी कितने लोग है इन योर लेट्स लाइक वॉट यू डू इन यू एस ऐसे कितने लोग है है तो बहुत सारे वहाँ के लोकल है बट वो लोग जॉब्स करते हैं भाई मतलब मंडे टू थर्सडे एक जॉब में है Correct. और फ्राइडे फ्राइडेटर संडे उनकी हॉबी है दे बट इंडिया से कोई 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 शिफ्ट हुआ ऐसा तो तो नहीं 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 है ऐसे ये करने के लिए नहीं, कोई भी नहीं। तो 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 रिस्ट रिस्ट भी था और भाई वो मतलब एक ब, ब, लाइफ में जब आपका ये होता है ना यार से मैं कैसे बताऊँ की नथिंग वर्किंग फॉर यू नो वेन नथिंग वर्किंग फॉर यू नो कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना आपके लिए तो आप कुछ भी डिसीजन लेते हो ना अगर वो थोड़ा भी क्लिक करते आपको लगता है चल ना वो तो नहीं कर रहा था ना ये कर रहा है मेरा तो एटीट्यूड यही है ये भाई कर रहा है हाँ, कोशिश ही नहीं की सोचा ही नहीं कभी लाइव परफॉर्मेंस में इतना खुश था मैं बहुत आज भी इंटरेक्ट करता हूँ दस लोगों से मिलता हूँ यूएस में मैं दो हजार से अपन कर रहे हैं राइट छे से अपन शुरू कर दो हजार सात में तुमने डांडिया शुरू किया डांडिया शुरू किया डांडिया मेरे को आता भी नहीं था नटोटकर वो बंदे ने मेरे को डांडिया में प्रमोट किया लाइक नवरात्रि और मेरे को नवरात्रि पता ही नहीं था क्या होती है नवरात्रि हम यहाँ गाते थे हम सेलिब्रिटी थे ना तो हम दो गाने गुजराती और सीधा वो फास्ट हो गया उसमें बिजुरिया बिजुरिया शुरू हो गया ये था तो उधर नवरात्रि लाइक वो ट्रेडिशनल वाली होती है तो उन्होंने सिखाया कि भाई ये ऐसा ऐसा है ये चीज़ें आप डालो गुजराती गाने सीखो बट उससे सीखने कितना मिला आज भाई इन द यू मतलब बोलना मेरे लिए बहुत प्राउड है आई एम द ओनली मेरे हिसाब से नॉन गुजराती सिंगर जो टिकटेड डिट शोज कर रहा है वहाँ पे नॉन गुजराती मैं रिक्स टिशूजा हूँ ना भाई मैं थोड़ी कोई पटेल हूँ रिक्स पटेल नहीं हूं मैं तो भाई वो मेरे लिए बहुत ब, मेरे को बाकी क्या सोचते हैं आई डोंट केयर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि तो वहाँ पे सब बड़े आर्टिस्ट आते हैं भाई फिर गढ़वी हो किंजल दवे हो गी तारा बारी ऐसे लोग आके सारे गुजराती गुजरात जो बेसिकली गरबा नवरात्रि कर रहा है यूएस में वो सब गुजराती आर्टिस्ट है और उसके बीच में मैं हूँ तो मेरा एक पोस्टर आ जाता है बीच में से तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई उस सेंटर में अतुल पुरोहित जी हैं जो बरोड़ा के हैं वो लोग करते हैं बड़े आर्टिस्ट हैं गुजरात के मुझे पता भी नहीं था ये कौन है जब वो गरबा करना शुरू किया तो मेरे मेरे लिए वो एक दुनिया खुली ओ ये भी तो है तो वो है तो आई एम वेरी हैप्पी इन माई और मैं भाई मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ क्योंकि हैप्पी रहना बहुत सबसे डिफिकल्ट है हैप्पी रहना सबसे डिफिकल्ट चीज़ हैप्पी रहना और हैप्पी तुम नहीं रहोगे ना वो स्ट्रेस में जियोगे कि ये होगा वो होगा

जब हम गए थे दो सवा दो लाख रुपए में सोनी सब जो किया था मेरा वो रेट बुक था क्योंकि हम बीस शोज कर रहे थे राइट हमको यूएस जाना था उसके बाद नोटा कर रहे हैं मुझे बोला था कि उनका लॉस हुआ और भाई लेकिन मैंने उसमें जो काम किया है उस वक्त यूएस में वो चार चार महीने में उस बंदे ने मेरे को वीक डे हो वीकेंड हो क्योंकि नॉर्मली वहाँ वीकेंड कल्चर है फ्राइडे फ्राइडेटर संडे शोज होते हैं क्योंकि दैट्स हाउ इट वर्क्स जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दो कि यूएस एस में ना इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत है और यूएस के हम कुछ शहरों के नाम जाते हैं यूस्टन डैलिस न्यूयॉर्क बट यूएस में कम से कम ऐसे तीस से पैंतीस शहर हैं जहाँ पे शोज होते हैं। और कम्युनिटी शोज भी होते हैं पाँच सौ लोगों का दो सौ लोगों का हजार लोगों का दो हजार लोगों का और रेक्स ने दो हजार आठ में दो हजार सात के बाद हर साल कम से कम सत्तर अस्सी शो किए होंगे एक साल में आराम से ज़्यादा ज़्यादा शो ज्यादा शोज किए चार महीने का वीजा होता था तो उसमें वो वीकेंड वाला कल्चर ही हमने चेंज कर दिया था कि वीकेंड पे होता नहीं नहीं तो फिर हमने वो मैं तो इस चीज़ को भी बोलूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा हर नए आर्टिस्ट को करना चाहिए सोचना चाहिए कभी आप भगवान करे आपका एक गाना हिट हो जाए आप थोड़े से फेमस हो जाओ तो उस चीज़ को वैसे मतलब आप काम आने दो पहले क्योंकि आई थिंक काम जैसे आप करते रहोगे ना पैसा बढ़ता रहेगा पैसा आपका रेट भी बढ़ेगा पैसा भी बढ़ेगा और भाई अपनों जैसे हम करते थे वीक वीकडेज पे था तो वीकडेज पे लोग कम होते थे बिकॉज किसी पार्टी में कोई शादी है तो वो संगीत में सौ लोग डेढ़ सौ लोग का संगीत होता था बड़ा शो नहीं है तो वो बोलते थे कि यार रेस भाई विद बैंड इतना नहीं हो पाएगा थोड़ा आप पांच सौ हजार डॉलर कम कर दो तो हमने वो भी किया है क्यों नहीं वीकडे में बैठे ही हो ना आप बेसिकली आप होटल में बैठे हो आप चिल कर रहे हो आप क्या कर लोगे यार टीवी देख लोगे एक इंग्लिश मूवी देख लोगे तो हमने वो भी किया है हमने वेंसडे को ट्यूजडे को भी शोज किए है क्यों ना करें क्यों ना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो आई थिंक उसी से मार्केट बिल्ड हुई धीरे धीरे आज तो यूएस में

भाई मतलब ये है कि कोई, कोई ऐसा रूल या तरीका नहीं है किसी भी सिंगर या म्यूजिशियन को सक्सेसफुल होने का right. हजारों तरीके एंड ah. right. uh, right. 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 uh, ये तो आपका सिंगिंग का बिजनेस है सिंगिंग ah. का, ah. का प्रोफेशन है right. जिससे अच्छा खासा पैसा इनकम होता है बट आपने और भी बिजनेस किए होंगे राइट तो और क्या क्या करते हो आप यार और और में ऐसा था कि जैसे हमने गैस स्टेशन में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था पार्टनरशिप थी बट वो उधर जा नहीं सकते भाई क्योंकि अगर मैं हैंडल करूंगा गैस स्टेशन तो वो ब्लास्ट हो जाएगा वो कर ही नहीं सकता हूं मैं हो ही नहीं सकता मेरे से कुछ कभी डोनट नहीं आएगा कभी कुछ चाय नहीं आएगी मैं अगर कर मैं वो नहीं कर सकता तो जाना वाना नहीं बट वैसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी मोड़ी आ, पार्टनर्स हैं जैसे कुछ ना कुछ, कुछ दोस्त होते हैं जो बिजनेस मैन की कि हमारे प्रोफेशन में बहुत लोग आप मिलते हो यार कहीं ना कहीं मिलते हो तो दोस्ती अच्छी हो जाती है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नौकर दौड़ तो लोग शायद वो होता है ना मज़ा आता है मेरे साथ में लोगों को और हर कोई ऐसा भी नहीं कि मेरे सब बेस्ट फ्रेंड्स है फिर बेस्ट फ्रेंड का भी तो डेफिनेशन होती है ना एक बेस्ट फ्रेंड का भी मतलब होता है तो है बहुत सारे ऐसे लोग जो मिले हैं जो बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज आती है कि भाई इधर डाल दो इधर थोड़े पैसे डाल दो इधर ये बन जाएगा बिजनेसमैन बहुत हैं जैसे वहां पे तो वैसे भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स की तो भाई इट्स इट्स ऑल बीन गुड मतलब लाइफ में ऐसा कोई ये नहीं है कि दाना पानी नहीं चलेगा या खाना खाने नहीं मिलेगा अच्छा सातों दिन तो दूर है हाँ तो, स... तो बहुत, सातो बहुत, दिन चिकन खा लूंगा बुरे टाइम में भी शो ना भी हो तो अंडा खा सकता हूँ मतलब ऐसा है <laughs> तो भाई मतलब दो 2006 में रियलिटी शो से निकलने के बाद 2005 में एक्चुअली रियलिटी शो से निकलने के बाद आज भी 19 साल बाद इंडिया में नहीं इंडिया से कोसों दूर अमेरिका में एक अलग बिजनेस एक अलग स्टाइल ऑफ वर्क तुमने बनाया है और तुम लाखों में नहीं साल भर अगर मिलाएंगे तो करोड़ों रुपए भी इनकम भी होती है लाइफ सेटल्ड है इन्वेस्टमेंट भी है सारी जगह है और जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर रहे हो हां तो ऐसे भी जिंदगी जी जा सकती है एब्सोल्यूटली जी जा सकती है भाई और बस जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके हैं जो आर्टिस्ट आजकल जो हमारे आर्टिस्ट सब लोग हैं जो नए वाले आ रहे हैं वो जल्दी दुखी हो जाते हैं और अब इसका मैं ये जो बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि सिर्फ लक तो आपको चाहिए भाई लक के बिना कुछ नहीं हो सकता आपका लाइफ में पर टैलेंट के साथ साथ आपको थोड़ा जैसे मैंने भी अपने परफॉर्मेंस है जो आप कर रहे जो भी आप आप प्रोग्रामर हो सकते हो यार आप गिटारिस्ट हो सकते हो लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ करते रहो तो उस चीज में सबसे पहले तो आपको बेशर्म बनना पड़ेगा एज अ आर्टिस्ट यू हैव टू बी वेरी शेमलेस जैसे स्टेज पे भी आपको शेमलेस होना पड़ता है कभी कभी कोई नहीं सुनता आपके गाने आप गाना गा रहे हो सबके साथ होता ही है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बिकॉज मैं एक मैं तो छोटा मोटा सिंगर सबके साथ होता ही है ये मैंने देखा है शादियों के शो में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी करते हैं हैं लोग डिनर कर रहे होते वो गा रहे होते हैं बहुत सारे हैं यू नो दैट ये गर, बहुत भारी होता है तो उसमें आपको शेमलेस होना पड़ेगा यू हैव टू आप कैसे दिखोगे उस रात में चार सौ लोग की शादी है रिसेप्शन चल रहा है आप गा रहे हो कोई नहीं देख रहा है हाउ वुड यू मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द नाइट पचास लोग आपको आपके बोले कि अच्छा किया आपने वो जो किया तो वो आपको मेक श्योर sure करना है अगर आप अपनी लाइफ को तुम अपनी लाइफ को अगर रिवाइंड करो और बोलो कि यार मेरे को अपनी ज़िंदगी में ना ये ये दो तीन चीज़ें ना मेरे को सीख मिली है हुँ. जो शायद हर सिंगर और म्यूजिशियन जो इस दौर से गुजर रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए ऐसा बता सकते हो हाँ बता सकता हूँ कि सीख मेरे को ये मिली है कि भाई कभी भी लाइफ से एक्सपेक्ट करते रहना होता है ना हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं अब आज भी करते हैं हम लोग सब इधर जितने लोग बैठे हैं अपने स्टूडियो में भी सब एक्सपेक्ट करते रहते कि ये हो जाए ना तो मजा आ जाए वो हो जाए ना तो मजा आ जाए वो सोचना सबसे पहले छोड़ दो सबसे पहले बोले कि तू क्या कर सकता है भाई तू खुद क्या हाँ मैं ये कर लेता हूँ वो होना होगा तो हो जाएगा करेक्ट तो सबसे पहले तो उस चीज को आप सही करो कि हाँ ये मैं कर लेता हूँ फिर वो होना होगा तो हो जाएगा जैसे ऑडिशन देना है मैं ऑडिशन दे देता हूँ सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ यार बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि अभी मैं लकी था भाई कि मैं पहले ऑडिशन में वहां पे जाके सेलेक्ट हो गया बट जरूरी नहीं है तुम्हारे साथ ये होगा नहीं होगा हो सकता है चार ऑडिशन देने पड़े यार बहुत सारे कितने सिंगर्स है भाई विशाल मिश्रा है इतना टैलेंटेड सिंगर उसने भी तो ऑडिशन दी थी ना वो रिजेक्ट हुआ था इन इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या होगा ना भाई वो आज जो कर रहा है जुबिन नोट्याल है तो इनसे बड़े इंस्पिरेशन क्या होंगे आपके लाइफ में अब अरिजीत सिंह ने जब पहला रेडिश शो था वो पहले में सेलेक्ट हो गया लेकिन उसको बाद में प्लेबैक सिंगर बनने में छह सात साल लग गए ना तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स तो इधर सीधे सीधे हैं मैं तो छोटा सिंगर हूँ बड़े सिंगर चीजों से इंस्पिरेशन लो तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सोचता हूँ क्यों नहीं है तो आपने को ये सोचना चाहिए कि जो उसके मेरे से भी दस लोग नीचे हैं आज से से छोटा सिंगर लेकिन मेरे से भी छोटे सिंगर्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो मुझसे टैलेंटेड भी हैं वो मुझसे टैलेंटेड डेफिनेटली होंगे ही होंगे मैंने ऑडिशन में इतने देखे थे अब तो कितने आ गए हम इंडियन आइडल में देखते हैं अभी ये रियलिटी शोज में तो वो सोचना छोड़ दो सबसे पहले कि उसके पास जो और ये बहुत नेचुरल चीज है कि अपने से जो बड़ा होता है अपन उसका अभी मैं ऐसे सोचूं मैं अरिजीत का सोचूं कि ये मेरे पास क्यों नहीं तो मैं हर दिन दुखी ही रहूंगा मैं डिप्रेस होकर दारू पी के मर जाऊंगा तो मैं इससे इतना बोलता हूँ क्योंकि भाई कर रहा है ना तू काम इंपॉर्टेंट ये कि तू कहीं ना कहीं काम कर रहा है ये काम शायद किसी और के पास है भी नहीं तो तेरे पास आ जाए तो वो जरूरी सोचना कि जो तुम्हारे पास है ना वो किसी और के पास नहीं है

You know, hmm. हंसोगे ना तो तुम्हारे पर कोई नहीं हंसेगा <laughs> तुमको सबसे पहले अपना मजाक उड़ाना आना चाहिए तो कर... तुम्हारा मजाक किसी के इसीलिए हुई थी हाँ। Actually, हम दोस्त हम लोग दोनों मिलके के हंसते ही रहते थे हंसते रहते बट तुम्हारे जोक बहुत गंदे होते थे यू नो एज अभी बहुत ही घटिया वा अभी अभी भी मतलब तब से तुम्हारा कंसिस्टेंसी कमाल है इंटेंशंस क्लीन थी लेकिन हाँ बट गंदे जोक से साथ भी कॉमेडी करता था नहीं नहीं फ्रैंकली <laughs> नहीं नहीं सीरियसली नहीं।, नहीं।, नहीं बहुत खराब भाई ठीक है भाई तो अभी सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था लाइफ में आ, सबसे डिफिकल्ट डिसीजन ये था भाई दो थे एक जब फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गया तो उधर था डिलेमा में मैं कि तेरह हजार रुपए की नौकरी थी ना तेरह हजार रूपया कॉल सेंटर में अच्छा पैसा मिलता था ना उस टाइम तो बोला यार तेरह हजार रुपया हिसाब से पचास साठ हजार रुपए की हाँ भाई भाई तो तो बहुत बहुत पैसा था भाई, 2000 में वो तो मैंने बोला उससे रेंट भी हो जाता था पंद्रह सौ मेरी चाली का रेंट था और उसमें सब कुछ खर्च करा के ये वो कर्जे वर्जे इधर उधर के जो बन गए थे डैड से तो वो सब करा के ना हजार महीने में बचता भी था तो मेरे में वो एक था कि ये छोड़ के जाऊंगा तो उन्होंने बोला था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है चार महीना चार महीना भाई क्या करेंगे क्योंकि उससे उसी पैसे से मेरा घर चलता था एक पहला डिसीजन वो था जो कर लिया वो कैसे वो किसी से पूछा नहीं कुछ नहीं चलना चल ना करते में गया ऐसा ही था डिसीजन ये था जब यहाँ से यूएस गया था वो था कि यार इंडिया छोड़ना मतलब इधर का काम छोड़ना काम तो यहाँ पे भी बहुत था ना भाई काम तो इधर से ज्यादा कहां होगा वैसे सोचने जाओ तो।, तो वो डिसीजन स्टार्टिंग का एक साल की वहां जाना हाँ जाना वुड आई बी ट्रीटेड द सेम जो मैं इंडिया से जब आर्टिस्ट जाता है तो वो होता है ना कि इंडिया से आ रहा है और आप यूएस चले जाओगे तो आप क्या आप सेम ट्रीट होगा या क्या होगा वो डर था कि यार डेढ़ दो हजार बन रहा है उस टाइम की बात है मैं भी तो दो सौ पे नहीं आ जाऊंगा होता है ना कि वो आप लोकल हो यार अब तू लोकल है भाई अब वो आ और शो कर और गा और जा आ तो गया एक पॉइंट पैसा लगा भाई इधर नौकरी करनी पड़ेगी भाई वहां पे मैं कोई आई डोंट

दो हज़ार आठ नौ के बाद जब शो शुरू किए मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर अंकल को हमने बोला कि चलो हेल्प आपकी करूँ मैं तो करना चाह रहा था दिल से करना चाह रहा था देबू का काजी का अपना डिसीजन था मैं बोला नहीं करूंगा यार करूंगा क्योंकि मेरे को फर्स्ट थिंग ये था कि यूएस में शो करना पसंद आया था हमने कम शो किए थे मैं बोला नहीं जाना चाहिए फिर से एक्सप्लोर करना चाहिए देखना चाहिए क्या है क्या नहीं तो जब वहाँ गया और फिर पहले मंथ में पहले बार जो टूर की उसके बाद जो हमारे टूर के बाद तो दो महीने की टूर की अच्छा लगा

तो उसको मिला तो उससे दोस्ती बढ़ी तो हम डेट कर रहे थे तो वो जो डिसीजन था ना ग्यारह बारह में वहाँ मूव होने का तो वो डिफिकल्ट था फर्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट रहा जब वहाँ गया तो फर्स्ट ईयर वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज वो चीज़ से मैनेज करना क्योंकि इधर बहुत इधर बेनसडे को भी शो होता था ट्यूजडे को भी हो रहा था तो उस चीज़ को मैनेज करना कि एक सीजन टाइम में फ्राइडे सैटरडे संडे हो रहा है बट अदरवाइज तो बहुत कम होते थे पर उस चीज़ को धीरे 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 जब यूज टू हुआ तो वो जो रिस्क लिया वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए पर यूज टू जब हुआ तो बोला नहीं यार बन रहा है क्योंकि हर चीज धीरे धीरे मार्केट भी बनती right. है आपका प्राइस भी बढ़ता है जैसे भी होता है तो वो चीज अब जाके ऐसा लगता है कि नहीं इट डिफिकल्ट वन बट वेरी गुड डिसीजन मजा आ गया और भाई सबसे एम्बेसिंग मोमेंट क्या है मोमेंट वैसे तो भाई बहुत सारे हुए हैं एक एक किस्सा बताता हूँ जो एम्बेसिंग मेरे साथ हुआ था नया नया फेम गुरुगुल से निकला दुबई में शो था उस सोने वाले जो एसोसिएशन होते ना, उनका शो था तो उधर शो कर रहा हूँ तो नब एकदम फेम गुर्गुल से जस्ट जब एकदम पीक पे बाहर निकला तो लोग ऐसे एकदम एकदम वर्जिन भाई वर्जिन सिंगर निकला है तो भाई एकदम स्टार ना उधर गया तो पहुंचा तो भाई लोगों ने रिसीव किया ऐसे हार वार पहना दिया तो उधर गया तो बोलो ने फील ही ऐसा करा है ना कि भाई तुम ही हो तुम्हारे बिना इधर कोई है ही नहीं हमने तो कोई मिले ही नहीं हम तो मेरे को भाई एकदम शाहरुख सलमान वाला फीलिंग दे दिया यार और अपने लिए सब नया था ना ऐसा तो गया शो किया तो शो में गया तो मेरा ना तड़प तड़प के गाना जो है ना तड़प तड़प के तो मैं बहुत मैंने गाया तो मेरा बड़ा हिट था तो मैं हर शो में गाता था तो वो टिकेट शो था तो मैंने उसमें गाया तो उसमें ना भाई एक एक टेबल थी वहां पे तो उधर चार लोग आए तो सोना वोना पहन के व्हाइट कपड़ों में आए ऐसे व्हाइट और ब्लैक कपड़ों में आए तो उधर बैठ गए ऐसे मतलब भाई कोई बड़ी हस्ते और सोना वोना काफी पहना था भाई उन्होंने तो आए से आए से बैठे तो वो सब लोग ऐसे उसको जाके मिल रहे हैं वो जो एसोसिएशन वाले क्या बात है क्या बात है भाई आ गए भाई आ गए तो मैंने वो तड़प तड़प के गाना तब शुरू किया तो मैंने कहा वो गाना ऊंचा है ना अगर मिले खुदा तो, तो वो चिल्ला चिल्ला के मैं गा रहा था ऑब्वियसली तो गाना खत्म हुआ तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी तो वो जो चार थे वो भाई भाई टाइप थे तो उन्होंने भी ताली मारी थी दोस्तों ऐसा बोला इधर उसको कुछ कान में बोला तो मैं दूसरा गाना ले था। तो लोगों ने था। गाना ऊंचा है ना भाई तो मैंने वापस गाया तो वो भाई ने बोला वो आया ऐसे और उसने मेरे वो दिराम उड़ाना शुरू किया ऐसे तो मैं बोला अरे यार पैसे उड़ रहे हैं तो अच्छा अपने लिए सच बताऊ वो एम्बेसिंग मोमेंट ये नहीं था अभी आएगा

तीसरे बार गाया तो मैं रहा अगर मिले खुदा तो तो भाई एक पॉइंट पे ऐसा लगा ना कि अभी खुदा ही मिल जाए क्योंकि मैंने छह बार गा दिया और भाई बोल रहा गाओ तो फिर मैंने साथी बोला भाई अभी वंस मोर की जाएगा वन मोर करते हैं मैंने उनको बोला मजा आएगा ना तो मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दो वो नाराज हो गए भाई मेरे से और वो कोई भाई भाई थे भाई वो कोई भाई भाई थे तो स्टेज पे आ गए भाई स्टेज पे आ गए वो तो स्टार्टिंग में तो मैं ताओ में था क्योंकि अपने को बहुत लोगों ने वेलकम किया था ना मेरे को लगा वो लोग आएंगे बचाने को ऐसा कुछ हो सकता है तो उधर गया तो वो बोलते भाई ने बोला और एक बार गाओ तो मैंने भाई मैं सात बार गा चुका हूँ वो गाना भी ऊंचा है थोड़ा गले में प्रॉब्लम होती है भी नचाना भी है लोगों को मैंने बोला बा वापस गाता हूँ ना तो ऐसे तो उससे तो बोला नहीं भाई ने बोला गाओ तो बोला अच्छा ठीक है तो मैंने उसको ऑर्गेनाइजर को बोला तो ऑर्गेनाइजर से गाओ गाओ हमको देखो मत गाओ गाओ तो मैं यार एक मिनट इधर आओ मेरा मैं नहीं गा सकता हूँ तो मैंने माइक इधर था जोर से बोल दिया माई मतलब नहीं गा सकता हूँ यार मैं कितना गाऊंगा मैं मैं वो में आ गया। नहीं गा सकता हूं मैं आई के नॉट ये बहुत उछा गाना है मैं नहीं गा सकता हूँ तो वो बोलता है अरे भाई गाओ ऐसी जगह पे गोली मारेगा तुमको मालूम है गाओ प्लीज मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ पैर पड़ता हूँ उसने बहुत पैसा दिया हमको पैर पड़ता हूँ तुम्हें कौन है ये अच्छा मेरी फट गई एक ही मिनट में क्योंकि मैं मेरी बॉडी पे मत जाना मैं एक नंबर का फटूँ वैसे कभी लफड़ा हुआ सबसे पहले मैं भागूंगा तुम्हारा दोस्त मैं नहीं हूँ रनिंग इज योर फ्रेंड रनिंग मतलब तुम खुद भागो क्योंकि मैं निकल जाऊंगा मैं सीरियसली बोल रहा हूं मैं बोला क्या बात कर रहे हो कौन है वो that's अरे रियल yeah. भाई क्योंकि अपने को मेरा और एक प्रॉब्लम क्या था ना मेरे को जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आती है ना लफड़े वफड़े वाली तो मेरे को क्या होता है कि घर है थोड़ा पैसा है लफड़ा नहीं मांगता चाटा मार मेरे को तू मार गुच्चा मार चाटा मार सॉरी मैं ही बोलूंगा फिर भी तेरे को मेरा तो सीधा भाई सीधा ही बात है कि मेरे को मेरी लाइफ चाहिए आई वॉन्ट माई लाइफ बैक मैं बहुत मजा कर रहा हूँ लाइफ मेरे को नहीं चाहिए भाई मेरा सिंपल है तो मैंने उसको बोला भाई कौन है हो? तो बोलते है, भाई ये तुम गा गा दो, दो बार और गा दो कोई बात नहीं वो, वो मेरे को क्या बोलते एक गोल्ड चेन दूंगा तुमको तुम गाओ तुम गाओ मतलब मैं गा देता हूँ गा देता हूँ मतलब ऐसा खतरनाक है बोलता भाई वो स्पॉन्सर कोई भाई तो मैंने दो बार और गाया फिर मैं क्या क्या भाई और एक बार गाऊंगा जरूर मैं एकदम मॉडेस्ट हो गया जरूर गाऊंगा <laughs> उनके पास जाके घुटनों पे गा दिया जैसे कि वो कोई क्या बात है तो उसने उसको फिर से, वो ऐसे ही बोलते थे मतलब भाई वो भाई थे, तो ऐसे, हर चीज को ऐसे ही बोलते थे डायरेक्ट बिना इसके बात ही नहीं करते थे उसको किसी को बोला तो वो फिर से वो दिराम विराम लाया वो उड़ा रहा है अच्छा भाई उस टाइम तो मेरे को ऐसा फील फील हुआ ना कि मैं सिंगर हूँ कि डांसर हूं मैं हूं क्या तो पैसे से मुंह पे यार मिले खुदा तो इधर पैसे दिराम गिर रहे हैं भाई पांच के मिला क्या कर रहे हैं मेरे साथ में बहुत ज्यादा एम्बेज अच्छा लोग भी देखिए लोग भी कंटाल गए ना भाई सात आठ बार कौन गाता है ये सेम गाना एक ही गाना लोग क्या अगर मिले खुदा तो भाई कितने बार खुदा इसको मिल गया पता है तो भाई वो सबसे एम्बेजिंग लेकिन भाई उसमें भी एक अच्छी बात थी पहली बार तो पैसे कमाए कि वो पैसे मेरे को ही मिले ना वो सब पैसे अपने को मिले, फिर वो भाई वो नाइस भी था वो भाई, तो उसने आगे भाई मेरे को, मेरे को बहुत लगा। ने, उसको बोला, भाई, कितना गंदा लगा जो पैसे उड़ाए जा रहे थे आए, भाई, आए, भाई। तो भाई भाई तो खत्म हो गया तो एक ही मिनट में तो वो वो मैं उसको, मैं उसको समझा रहा था भाई आज तो बहुत एम्बेसिंग हो गया थोड़ा यार बुरा लगा अजीब लगा थोड़ा सा थ्रेट फील हुआ ऐसा सब मैं बोल रहा था भाई आए भाई बोलते

भाई मैं था बाईस साल का यार तो मेरे को नहीं पता था और मैं जब बंदा बहुत म्यूजिकली टैलेंटेड या सीखा हुआ होता है ना तो उन्होंने पंडित जसराज जैसे होते हैं उनको सुना होता है उनका म्यूजिक वो होता तो मैंने मुझे नहीं पता था भाई और मुझे जर्नलिस्ट नहीं पता था तो सोनी ने उनको लाया था और वो सरप्राइज था सबके लिए तो ऐसे पंडित जसराज एक रूम में जो हमारा लिविंग रूम था उसमें होंगे और हम ऐसे अचानक जाएंगे और मतलब हमारे लिए पता नहीं था किसी को

ऑब्वियसली वो और अरिजीत हम मेरे से छोटा है तो उसने तो वो क्लासिकल म्यूजिक करता है तो उसने सुना होगा उनको तो मेरे को नहीं पता मेरे को जेनवनली नहीं पता कि पंडित जसराज जी मैं हमें ऐसा था कि मतलब वॉट क्या हुआ है? तो अरिजीत तो जब शास्त्रांग नमस्कार होता है ना उसने वो कर दिया तो मैं तो शॉक हो तो गया बोला अरे भाई अपने को भी करना पड़ेगा क्योंकि कोई तो है ये होता है ना तो, तो अर्पिता ने सब लोग भाई चार पांच छह लोग थे तो पैर वैर पड़ रहे तो मैं बोला मैं भी चला जाता हूँ पता कुछ नहीं है मुझे मेरे को मालूम ही नहीं वो कौन है तो बोला अरे <laughs> <इसे बला>, सर <laughs> अच्छा मुझे ये लगा कोई न्यू म्यूजिक टीचर आए हैं जो बड़े वाले म्यूजिक टीचर है। तो वो सिखा गई कुर्ते पाए कोटी वोटी पहन के तो मैंने ऐसे किया तो अरिजीत मेरे को ऐसे देखते बोला सर तो ऐसे बैठ खड़ा ना तो अरिजीत तो अरिजीत ऐसे बेचारा वो अरिजीत संदीप ये सब थे तो अर्पिता ऐसे सीखी मतलब यार आज तो इनके दर्शन हो गए काइंड ऑफ होता है ना कि इनके लाइक ऐसे तो मैं मैं भी खड़ा था मैं बोला यार अभी पूछू कैसे ना क्योंकि वो माइक ऑन रहता है तो उस टाइम पूछ नहीं सकते माइक पर पूरा ऑन रहता है तो मैंने पूछा मैंने अजीत को पूछा है ना भाई सुनना बोला तो क्या बोला ये कौन है मैंने उसको पूछा तो उसने तो कैसे देखा अजीत ने गुस्से देखा तो बोला यार ये गुस्सा हो गया ये कौन है शायद उसको डिस्टर्ब नहीं करना है अभी शूट चल रही है तो पंडित जी ऐसे वो फिर वो कट होता है ना शॉर्ट तो पंडित जी वहाँ घूम रहे हैं तो ऐसे बैठने वाले थे तो मैंने फिर संदीप को पूछा संदीप इधर आ

मेरे को बताओ ना तुम लोग क्या करते सोनू 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 जी I was so happy because जी आए मतलब आप समझ नहीं रहे हो ना मेरे को नहीं पता है ये कौन तो भाई उन्होंने लिया मेरा तुमको तुम बोलते सब सरप्राइज थे तू एक अकेला ही था जो अपने को स्टार समझ रहा था मैंने ऐसे मिला भी ऐसे ना? सर। था ना ब्रो मैं ऐसे ही मेला था नॉट टू फॉन भाई ये Like तो से गुस्से ये नहीं पता ये कौन है तेरे को करने का हक नहीं है नहीं।, नहीं सुना है फिर उसके बाद जब मेरे को पता चला तो मैंने फिर पंडित जसराज जीश को सुना तो होता है ना कि भाई वो क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट माई टाइप ऑफ म्यूजिक मैं वो, वो शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं वो नहीं सुनता हूँ तो मैं मैंने उसको समझा मैं भाई मैं ऐसे नहीं सुनता हूँ ना समझा करना मैं सिंपल गाने सुनने वाला बंदा हूँ तो इस वजह से मेरे को समझ नहीं आया मैं बोला भाई तो so, तुम थे ना कि कोई ऑफेंड होगा <coughs> कोई भी ऑफेंड नहीं होगा रीज़न क्या है बोलते हैं कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारी हर चीज माफ है तो तुम्हारी नीयत में खोट नहीं था ना तुमको पता ही नहीं था नहीं, तुमको नहीं पता नहीं था तो इसमें ऑफेंसिव होने की कोई मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन वो फनी इसलिए था कि अंदर बुला के बोलता, और तू यार क्या है, तू इनको नहीं जानता म्यूजिक तो मैं मैं ही नहीं सुना भाई अगर पूरी जिंदगी में पूरे करियर में अगर बोले की आ, इन लोगों का सबसे बड़ा रोल है तो वो कौन लोग होंगे भाई माई मॉम सबसे पहले शुरू करते मेरे मॉम से मॉम ने मॉम हमेशा पुश करती रहेगी कर सकता है भाई तू कर सकता है तू कर सकता है मैं मॉम बोलती थी ना फिर एक बार यकीन हो जाता ना डैड का ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो सपोर्टिव नहीं थे बट वो भी राइट थे कि कंसिस्टेंट पैसा तू कमाएगा तो बेटर है तेरी लाइफ के लिए वो मेरे अपने लिए नहीं सोच रहे थे वो वो तो मेरे लिए सोच रहे थे कि तेरे करियर के लिए होता है ना पैसा आता रहे तेरा खर्चा चलता रहे ऐसा नहीं कहूंगा सपोर्टिव नहीं थे बट ही वॉज श्योर कि ये होगा वो मजाक वजाक भी डैड जैसे उड़ाते थे मेरा हमेशा जब मैं डैड को हमेशा था एक दिन गाड़ी खरीदूंगा और नीचे खड़े करूंगा और तुमको बिठाऊंगा नहीं ये करूंगा मेरे गुस्सा था डैड में नहीं बिठाऊंगा तुम नहीं बैठाओगे यू विल नॉट बी नहीं बैठा मम्मी को बैठाऊंगा तो डैड को नहीं था यकीन तो मेरी मॉम इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि जो मैं जिस करियर आ, में हूँ आज जो आज काम कर रहा हूँ तो इसमें मेरे मॉम का बड़ा हाथ है क्योंकि मॉम ने पुश ज्यादा किया कि जा ऑडिशन दे तो माई मॉम अभी ऑब्वियसली माई वाइफ फैमिली तो पहले ही आती तो एंड भाई मेरे गुरु जो बाड़ा मुंगेकर जो है जैसे जो थे वो आज भी है आ, बहुत कम मिलना होता है बिकॉज वो टाउन में रहते हैं तो कभी कैसे बात बहुत कम बात होती है हमारी बट दीज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट बाई फैमिली और ये लोग मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और भाई अगर ऐसा लगता है कि यार ये मैंने गलती कर दी ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी कुछ भी नहीं भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता है लाइफ में कुछ ही मैंने गलती कर दी मेरे को तो कभी भी नहीं लगता क्योंकि मैं सोचता ही नहीं मैं सोचता हूँ कि भाई जो किया वो सही <laughs> वो जो बोलते हैं ना कहावत है ना कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है तो वो गलती भी मेरे को है ये भी कुछ अच्छे के लिए मैं सोच वो सोचता है नहीं कि यार इदर, यार नहीं यार यार इधर अरे ये मिस्टेक हो क्योंकि वो वो सोच लो तो वो गलती तेरे दिमाग में रहेगी और तू उस चीज को हमेशा अपने आप अप, अपने आप को उस चीज़ के लिए ब्लेम करता रहेगा तो मैं वो सोचता ही नहीं भाई मेरे लाइफ में आई थिंक नॉक ऑन द वुड भाई मैं ब्लेस्ड हूँ मैं जहाँ हूँ यूएस में यहाँ हूँ मैं जब चाहू बॉम्बे आ सकता हूँ जब चाहू

डाय हार्ड तो वट इज द वर्ड वो वर्ड ही नहीं है मेरे पास मैं उदित जी का वो वाला फैन हूँ उदित जी सबसे सबसे प्यारे मेरे उदित जी सुनता तो सबको भाई हर किसी को सुनता अभी अरिजीत को हम सुनते हैं अरिजीत की प्लेलिस्ट होती है हमारे गाड़ी में हमेशा होती है अरिजीत है सोनू जी हैं इनसे सुनते ही हैं भाई जितने लोग जब अलग अलग चीज़ इट ऑल डिपेंड्स भाई मैं भी वो मैं नॉर्मल म्यूजिक सुनता हाँ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं नॉर्मल म्यूजिक सुनता हूँ जो कान को अच्छा लगे उसको सुनता हूँ मैं बेसिकली यही बोलूँगा कि मैं वो बोल ही नहीं सकता हूँ ना ऐसा क्यों मैं तो बचपन से उनको सुन... ऐसे नहीं है मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ भाई उनको सुनता हूँ जिसका मजा आया तो से किसान कर सकता भाई मैं पहले जब शुरू किया था ना मैं कुमार चंद्र जी की तरह गाता था क्योंकि मैं उस उस आया ना दीवाना पिक्चर आई थी सोचेंगे तुम्हें प्यार है गवाह है तो मैं वो गाता था तो मैं वो मेरे चाली वाली में सिंगिंग ना अभी उधर चाली की समर कैंप अलग होती है तो वो अंबानी वाली समर कैंप नहीं होती हमारी हमारी चाली की समर कैंप अलग उसमें कैरम खेला जाता है वो छोटे वाले बोर्ड पर ना क्वीन रानी वाला कैरम वो रानी राजा और दो पैसे पाँच पैसा दस पैसा तो वो तो समर कैंप मतलब लोग गलत था कि तो से बहुत अमीर है लाइक समर कैम्प इज डन एंड ऑल नहीं ऐसा नहीं तो उसमें मैं गाता था मैं तो उनके सारे वही गाने होते ना तो मैं उनकी तरह गाता था पहले कोशिश करता था क्या ना हाँ सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार मैं उनकी तरह पहले गाता था फिर उदित जी जैसे उदित जी को सुना उदित जी के नए नए गाने सब कयामत से कयामत तक वो वो सब सुनने लगा फिर उदित जी फैन मतलब आर्डेंट मतलब वो खत्म हो गई थी बात उसके पार कभी देखा ही नहीं

ये डाल रहा है ये शो ऑफ कर रहा है पेन के फोटो डालता है अपनी शो की, की परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग तो पहले होता था, था कि लोग भी जज करते था। तो मैं था, हाँ यार शायद नहीं डालना चाहिए क्यों डालना चाहिए फिर भाई रियलाइज हुआ कि जब नहीं डालता था, था ना तो लोग पूछते थे भाई किधर आजकल देखा नहीं कुछ कुछ देखा नहीं तो भाई फायदा तो है क्योंकि आपकी रीच आप क्या कर रहे हो उससे पता चलता है और आजकल हर कोई कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा होता है तो वो चीज से मुझे तो बहुत फायदा हुआ है मेरे को बाकी लोग का पता नहीं मुझे तो बहुत फायदा हुआ है कल हम लोगों ने ना एक, एक हमारे सेगमेंट है आज द गेस्ट हुँ. तो हमने पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पे तो कुछ एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा टोटल मिला दो लोग <laughs> <laughs> ये जो अच्छा था ना अच्छा था ये जो भी थी ये इंसल्ट थी तो वो क्वेश्चन मैं कल हमने आज द गेस्ट सेगमेंट हमारी होती है तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था तो कुछ लोगों ने आपके लिए सवाल आपके लिए कुछ लोगों ने आपके लिए हमारे लिए सवाल है पहला सवाल है हाउ डू यू कंसिडर काजी तोकीर एंड अरिजीत सिंह एज अ सिंगर एनी सिमिलरिटीज बिटवीन देम सॉरी यार <laughs> काजी <laughs> अरे मतलब यार वो दो अभी यार क्या इस पे क्या ये किसने पूछा है सवाल <laughs> मुझे नाम नहीं दिए गए माँ कसम भाई ये क्या सवाल है सबसे पहले तो मतलब यार ये बहुत दोनों अलग हैं वो बाजी खुद ही बोलता है यार बेचारा वो वो गाता है अब वो बहुत सुर में गाता है अच्छा गाता है बट मैं ये बोल रहा हूँ कि काजी काजी जो है वो गाता सुर में है पर सुर में ही गाना इज़ नॉट एवरीथिंग ना अभी जो अरिजीत काम कर रहा है अब वो ये सवाल रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ काजी के लिए अच्छा भी बोल दूँ तो मुझे गाली देंगे ए, क्या बे प्लेबैक सिंगर है तो काज़ी की तारीफ करेगा तो सवाल तो मैं वो डिप्लोमेटिक हो भी नहीं सकता यहाँ पे मतलब ये सवाल ही रॉन्ग है

सीख के बेटर कर सकते हो वरना अगर आपके अंदर नहीं है ना जीरो से शुरू नहीं कर सकते जीरो से शुरू नहीं कर सकते अगर अंदर है ही नहीं तो नहीं हो सकता बहुत सारे लोग अभी यूएस में मेरे को बोलते हैं आप हमको सिखाओ मतलब मैं खुद सीखने के अभी लगी पड़ी है मेरी तुम क्या मेरे को सिखाओ टीचर जब चुनो तो वो, वो एक चीज है अपने स्ट्रेंथ को दिमाग में रख के टीचर चुनो अभी टीचर हमेशा ये नहीं होता कि जैसे पद्मा जी ने वो बात भी कट गई थी पद्मा जी ने मुझे बोला था रेक्स मैंने बोला मेरे को सीखना है ऐसा तो हारमोनियम बजा के मेरे को भी गाना गाना क्योंकि अरिजीत गाता था ना तो अरिजीत तो हर चीज भाई टेबल से लेके कप से लेके सब बजा लेता है वो तो वो तो उसको तो कुछ पड़ी नहीं है प्लास्टिक बॉटल भी बजा लेगा वो वो इतना टैलेंटेड है तो मैं बोले ये क्या करता रहता है ये हर चीज़ बजा लेता है इधर भी मेरे को गवा रहा है उधर भी गवा रहा है कुछ भी बजा लेता था भाई वो जो हम उधर थे तो मतलब कैसे हो सकता है तो मैंने पदमा जी को बोला मेरे को भी वो पदमा जी ियम बजा के ना रियाज करना है तो बोला किसने बोला ऐसा जरूरी होता है।, मैंने नहीं को करना है बस मुझे करना है तो बोलते ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है उन्होंने मेरे को ये बोला था कि तुम गाओ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुमको अगर मैं वो चीज क्लासिकल तुम्हारे में इंड्यूस करना भी चाहूंगी ना तुम्हारी सिंगिंग खराब हो जाएगी उन्होंने मेरे को यह बोला था ठीक है मैंने उस चीज को मतलब अच्छा ऐसा है तो मतलब ये जो ऐसे गाते हैं सरगम वरगम गाते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं हर कोई अलग होता है ना हर किसी का टैलेंट भी अलग होता है तो मैंने जैसे गाते हैं कैसे बोलते ऐसा जरूरी नहीं रियाज इज सिंगिंग रियाज का मतलब क्या है सिंगिंग जो तुम गाते रहो प्रैक्टिस करते रहो अपने शाह को फिर दो तीन चीजें उन्होंने बताई लो खर्च का रियाज है वो करता हूँ मैं भाई जैसे लो सुबह सुबह उठ के लो एकदम स्केल में हम हम खुद ही कोई स्केल वेल नहीं तो ऐसे को ये सब हम लोग करते हैं ये सब नॉर्मल चीज़ें मैं भी करता हूँ जो जो अच्छी होती हैं वो सारी थोड़ी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही कुछ मत करो वो बताई उन्होंने पर उन्होंने ये बोला कि सही टीचर चुनना भी ज़रूरी है आप अप, अपनी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कोई टीचर चुना नहीं तो मैं ये मेरा नहीं है ये पदमा जी ने बोला था तो वो लर्निंग प्रोसेस ऑफ एन एडल्ट रुकी मतलब टू स्टार्ट लर्निंग क्लासिकल एंड और कर्नाटिक म्यूजिक फ्रॉम द स्टार्ट विदाउट अ गुरु तो अगर कोई एडल्ट है हाँ। जिसको गाना नहीं आता उसको क्लासिकल या कर्नाटिक म्यूजिक सीखना है शुरू से और उसके पास गुरु भी नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए अगर आपके पास गुरु भी नहीं आपको गाना भी नहीं आता तो आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए <laughs> भाई।, भाई मतलब ये कमाल सवाल था मेरे पास गुरु नहीं है चलो गुरु बाद में आ आते मेरे पास गाना ही नहीं है

ये कमाल सवाल है भाई ये तूने खुद तो नहीं लिखे ना आज नहीं बट सा रियाज खर्च कर यार अरे भाई जिसने भी ये लिखा है सबसे पहले तो भाई अगर तुम मेरे को जानते हो नहीं जानते हो सबसे पहले तुमको पता नहीं मैं खुद ही मैं ट्रेंड नहीं हूँ भाई ये मैंने भी खुद सीखा है कि सुबह उठ के कोई भी गाना लो स्केल में गाओ उसको खर्च कर रियाज बोलते अभी सा का जो रियाज होता है ना फ्रेंकली स्पीकिंग वो तानपुरा फोन पे भी आजकल आता है तो इट्स वेरी सिंपल कौन सी रेंज में स्टार्ट करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वॉइस क्वालिटी आपकी रेंज क्या है तो मैं ये कहूंगा कि मैं उस रेंज में गाता हूँ जहां पे मैं कंफर्टेबल हूँ सुबह जब आप उठते हो तो आपकी वॉइस बैठी होती है सुबह की रेंज अलग होती है सुबह आपका गला खुलता नहीं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू इट और भी सवाल है अरे हाउ आई वर्क विद सर जी कौन मतलब कौन मैं नहीं क्या करता है वो <laughs> कुछ लिखा गैस स्टेशन पे नौकरी दिला सकता हूँ पेट्रोल भरना है मतलब करना क्या है वो तो बताओ हाउ पे मैसेज कर लो। हाँ, करो भाई उस डिपेंड्स ऑन अब उसने ये नहीं लिखा है ना आई वर्क विद यू आई वर्क विद सर जी तो बोलते तो कुछ भी ड्राइवर भी बन सकते हो मेरे तुम्हारी मर्जी है पांच हजार रुपए दूंगा बोलो ना पूरा क्या कैसे वर्क करना है भाई अगला सवाल है कि what happened after the show, जो हमने बात बात कर ली। you connected with other participants? बाकी लोगों से बात होती हाँ, हाँ, हो रहती सबसे है, सबसे होती रहती है बात तो काजी से भी होती है हाँ होती रहती है मतलब ऑलमोस्ट सभी से होती रहती है खाली रूपरेगा से मैं फेसबुक पे बात करता हूँ क्योंकि डर लगता है उससे <laughs>

तो फिर वो खाना वाला आई जी पेज नहीं बनाऊंगा यार वो जो आएगा इसी पेज पे आएगा इसी पेज के बहुत मुश्किल से फॉलोअर पड़े आई जी बनाओ फिर से बढ़ाओ इतना नहीं हो सकता भाई मेरे चाहता हाँ, है, कुछ सवाल है। to to जरूरी नहीं। नहीं सिंगर, कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है कॉन्टेक्ट नहीं है भाई ये एडवाइस रहेगी कि बेसिकली कभी कभी होता है ना कि अपन बोले कि यार ऑडिशन देना है ये नहीं हो रहा है वो नहीं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ तो अब डायरेक्ट तुम प्रीतम दास से कभी नहीं मिल पाओगे तुमको तो पहले एक छोटा मोटा उनके एक ज़रिया ढूंढना पड़ेगा कोई प्रोग्राम हो रहा है और आजकल भाई बहुत लोग हैं आजकल बहुत ईजी हो गया है जब मैं भाई हम मैं मेरी बात करूँगा उस वक्त एक दो शो आता है तो उसी में क्लिक हो गए तो हो गए आजकल तो भाई बहुत जगह है अगर नहीं भी हो रहा है ना कभी कभी होता है ना नहीं हो रहा है और कभी कभी भाई हम लोग अगेन वो रिपीट करूँगा बात कि शर्म आ जाती है कि किसी स्टूडियो के बाहर अगर मेरे को भाई उधर जाके मेरे को प्लेबैक सिंगर ही बनना है इट ऑल डिपेंड ऑन आपको क्या करना है प्लेबैक सिंगर ही बनना है तो भाई तुमको स्टूडियो के बाहर चार घंटा खड़े होके ऑडिशन देनी पड़ेगी मुझे अगर उस वक्त कोई बोलता उदित जी से मिलना है पर तीन घंटा वेट करना पड़ेगा मैं तो खड़ा हो जाता मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता मैं उदय उदित जी आएंगे भाई मेरी लाइफ बन जाएगी तो मैं मैं उस चीज़ में थोड़ा सा यही बोलूंगा कि अगेन हर आर्टिस्ट को थोड़ा सा बेशरम होना पड़ेगा और नहीं होगा सामने से भाई दो फोन करोगे नहीं जवाब मिलेगा तीन करोगे नहीं मिलेगा भाई पांचवें फोन में हर इंसान इरीटेट होके या दया खा के आपको फ़ोन करता है या एक रिस्पॉन्स देता है तो जरूरत तुमको है तो तो भी तुमको होना पड़ेगा तो थोड़ा वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू बी और हर कोई अपने फील्ड में म्यूजिशियंस हो या वो कोई गिटारिस्ट हो या वो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बोलेगा इससे मिल ले यार तो वो नहीं होना चाहिए ये तो छोटा वाला म्यूजिक डायरेक्टर है ना बेशरम होना पड़ेगा कोई भी काम छोटा नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी और उसके बाहर भी कोई भी काम छोटा नहीं है तो कभी आपको कम पैसे भी मिले पर अगर आपका काम बन रहा है कहीं नाम बन रहा है उससे आपको लगता है कि आगे थोड़ा सा कुछ बढ़ सकता है लगे या ना लगे कर लो वेरी गुड थैंक यू मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि हम लोग जो बात करते हैं उसका जो फ्लो और उसका जो टोन है हाँ. और ये टोन मेरे को बात करने के लिए बहुत मुश्किल है इट्स नॉट ईजी बट आई थिंक वी मेड इट इट आई डोट यू तो मैं ना जनरली ऐसा करता नहीं हूँ लेकिन आज मेरा करने का मन है अब रेक्स की आपने स्टोरी सुनी रेक्स की कहानी सुनी और अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो या सुन रहे हो तो इसका मतलब आप सीखने में इंटरेस्टेड हो क्योंकि आखिर तक ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं तो आपको ना कुछ कुछ चीज़ें इस पॉडकास्ट से समझ में आनी चाहिए पहली चीज़ म्यूज़िक में आगे बढ़ने का ना कोई एक तरीका नहीं है म्यूज़िक में हर इंसान की जर्नी अलग है हर इंसान का पर्स्पेक्टिव अलग है हर इंसान की चैलेंजेस अलग है हर इंसान के टारगेट अलग है और ये सारी अलग अलग कहानियों से आप सुन सकते हो कि आपकी भी कहानी अलग होगी दूसरी बात रेक्स ने जो बताया कि हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोच के ना काम नहीं करते हैं लेकिन आपके पास जो भी काम आता है जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप काम करो और आप काम करके देखो आगे क्या होता है और कभी अपने आप को ना ज़्यादा अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ कंपेयर मत करो आप खुश रहोगे और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार आप मेहनत करो उतनी बार आपको रिजल्ट आए ही आए लेकिन अगर आप अपनी थॉट्स को सिंपल रखो आप मेहनत करते रहो आप जुगाड़ करते रहो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते रहो कोशिश करते रहो तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाएगा और हो सकता है कि जैसे रेक्स की जिंदगी बिल्कुल अलग थी बाकी सिंगरों से वैसे आपकी भी जिंदगी पूरी दुनिया से सबसे अलग हो सो so, इसी थॉट के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड वॉचिंग दिस पॉडकास्ट थैंक यू वाह